क्या सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में लेने लायक चीज है उसके बारे में बात करेंगे कि हम अपनी जिंदगी को अपने जीवन को कैसे बेटर कर सकते हैं, तो उस डायरेक्शन में जाएंगे। अब हम वेद को थोड़ा घुस के समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिफोर हम वो समझे, तो ये जो मैंने शायद बताया या नहीं बताया, बट बेसिकली जो वेदिक सिस्टम है ना, उसमें गुरु का सबसे ज्यादा महत्व होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, राइट। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि देखिए, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, आप एक अच्छे गुरु से, एक अच्छे टीचर से पढ़ते हो और एक अच्छी बुक पढ़ते हो, तो ही आपको नॉलेज मिल सकता है। अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, देन और कोई तरीका नहीं है। सो विद दैट इन माइंड, अगर मुझे वो करना है, तो हमें सबसे पहले किसी भी वैदिक नॉलेज को समझने से पहले अपने गुरु का एटलीस्ट ध्यान करना चाहिए, राइट। आप बोलेंगे कि हमें, हमारे तो कोई गुरु है नहीं, बट हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, गुरु इज लाइक अ टीचर, राइट। हो सकता है आपने वो टीचर अभी नहीं मिले, बट स्टिल राइट, वी शुड गो डाउन टू देम, मतलब थोड़ा उनके लिए, उनके उनको प्रणाम करना चाहिए। तो ये एक एक सिंपल सा संस्कृत का मंत्र है, और हम साथ में रिसाइट कर सकते हैं, और इसके फिर आगे हम अपना सेशन शुरू करेंगे। सो मैं रिसाइट करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हो। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, ज्ञान अंजन शलाकया, चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओके, ऑलराइट। सो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ओम अज्ञान तिमिर अंधर से, तिमिर मींस नाइट, जो रात का रात होती है ना, उसको तिमिर तिमिर तिम कहते हैं। तो तिमिर अंधर से, यानी कि मैं अज्ञान के अंधकार में था, ज्ञान अंजन चला गया, किसी ने आके मेरी आईज में नॉलेज का लगा के नॉलेज से मेरी आईज खोल दी, ठीक है। अंजन क्या होता है? जो आंख में लगाते हैं काजल, राइट। तो ज्ञान के अंजन से उसने मेरी आंखें खोल दी, ठीक है। और चक्षुर उन मिलितम येन, और ये नॉलेज मिलने से मेरी आंखें खुल गई, और उन गुरु को मेरा नमस्कार। दिस इज वॉट इट मीन्स। सी, जब हम बॉर्न होते हैं ना, वेन वी आर बॉर्न ऑल्सो, तो हम अंधकार में होते हैं, हम सारे, हमारे पास कुछ भी नॉलेज नहीं होता, राइट। और हमने बात की थी कि देखिए, आपको पेरेंट्स भी आपको बताते हैं कि कैसे चप्पल पहननी चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, चेयर में कैसे बैठना चाहिए, राइट। तो धीरे धीरे हमें नॉलेज मिलता है, और हमें नॉलेज सिर्फ टीचर्स से और बुक्स से मिलता है। सो इसलिए हमें रिस्पेक्टफुली उनका उनके साथ रिस्पेक्टफुली रहना चाहिए। और अगर हम नहीं रहेंगे, तो नॉलेज, ये वैदिक नॉलेज जो है ना, वो ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि पैसे दिए और कोर्स कर लिया, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। इसको रिस्पेक्टफुली समझना जरूरी होता है। सो एनीवेज, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर हम अपने सेशन पे शुरू करते हैं। ओके, सो लेट मी प्रेजेंट, मैं आज के सेशन प्रेजेंट करता हूँ, और हम उस पर बातें करेंगे। और अगर मेरी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आती है, तो प्लीज बताइए, मतलब यू नो, आई अगर हिंदी इंग्लिश कुछ प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई नो हम वर्चुअल हैं, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट होने का चांस ज्यादा है। एंड व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज दैट कि प्लीज कीप योर कैमरा टर्न ऑन, आप अपने लिए, मतलब इसलिए क्योंकि उससे आपको आपको समझ में आएगा ज्यादा ज्यादा अच्छा। सो एनीवेज, ओके, ऑलराइट। सो आज हम जिस बारे में बात करेंगे, वो ये है कि हम लोगों को रियल प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में, लाइफ में। कोई भी हमें से क्लेम नहीं कर सकता कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऐसा है, तो कैसे हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को, क्या क्या कोई वैदिक सॉल्यूशन है इसका, इसके बारे में वेदास क्या कहते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। ओके, या तो हम पहले तो ये समझते हैं, सॉल्यूशन के पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ना, तो अगर हम किसी से भी पूछें क्या प्रॉब्लम है भाई लाइफ में, तो काफी काफी सारे आंसर मिलते हैं उसके। कोई बोलेगा कि अरे मेरी जॉब नहीं है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, फैमिली वाले कुछ नहीं है, मनी नहीं है, हैंडसम नहीं हूं, एग्जाम में फेल हो गया, गर्लफ्रेंड नहीं है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको सारे सुनने को मिलेंगे, राइट। और कोई प्रॉब्लम आप सोच सकते हो, कोई और प्रॉब्लम जो सुनने को मिलता है किसी से? एनीथिंग एल्स? या लाइक हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस इज मिसिंग इन लाइफ। सब कुछ है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। हाँ, मतलब
कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए प्रॉब्लम, अगर सब कुछ है तो फिर हैप्पीनेस क्यों नहीं है, इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है, राइट? सो या सो एक्चुअली हम कभी भी किसी से देखते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसे चीजें सुनने को मिलती है ना, जिसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं। बट अभी ध्यान से अगर हम सोचे ना, तो इनमें से सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। जॉब नहीं है तो आपको ही जॉब खोजनी होगी, राइट? अगर पैसे नहीं है तो हाँ अच्छे से पैसे कमाओ तो पैसे हो जाएंगे। दीज आर नॉट लाइक, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो जो सॉल्वेबल ना हो। ओके, प्रॉब्लम किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। शास्त्र बताते हैं कि प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि प्रॉब्लम वो होती है जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करे। दो चीजें होनी जरूरी है किसी को प्रॉब्लम बोलने के लिए, ठीक है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज होती है, इतनी छोटी चीज नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो क्या होनी चाहिए? एक जो सब में हो, सबको प्रॉब्लम है, मतलब हर किसी को हो, और किसी को भी नहीं चाहिए ये चीज, और कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, मतलब आप नहीं चाहोगे फिर भी वो रहेगी, और हर किसी को ये कॉमन है और किसी को भी नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसी चीज को प्रॉब्लम बोलते हैं जो कि सच में प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक सुन के आपको क्या ध्यान आता है? कोई एक प्रॉब्लम? कोरोना कोरोना या आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मुझे लगा था ऐसे ही कोई आंसर आएगा, कोरोना ही आएगा, राइट? हाँ, मतलब देखिए, मतलब ऐसी इसको बोलते हैं प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम हो गई है, सच में कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी, किसी को भी नहीं चाहिए हम में से, राइट? और कोई कोई भी बच नहीं सकता उससे। ऐसी चीजें प्रॉब्लम होती है रियल वाली, क्योंकि वो जो है वो प्रॉब्लम, अरे आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, थोड़ी एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? उसको लेके परेशान होने का नहीं है, आप जो अपने से सॉल्व कर सकते हो। ये तो प्रॉब्लम ऐसी है जो सॉल्वेबल ही नहीं है। बट कोरोना के अलावा भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो इसी कैटेगरी में फॉल करती है, तो हम उनको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या प्रॉब्लम, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, ये चार चीजें हैं जो 100% प्रॉब्लम है, शास्त्र बताते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, सो दीज आर लाइक रियल प्रॉब्लम्स। ओके, या सो एनीवेज, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, हम अभी बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स किसको बोलते हैं और उनका वैदिक सॉल्यूशन कुछ है क्या। तो कौन सी चार प्रॉब्लम है, कौन सी सी चार प्रॉब्लम है जिसके बारे में वेदास बताते हैं? तो सबसे पहली है बर्थ, ओके, फिर ओल्ड एज, डिसीज और डेथ, यानी कि जन्म, मृत्यु, जरा यानी कि बुढ़ापा, और व्याधि यानी कि डिसीज, राइट? कोरोना भी डिसीज में फॉल करता है। अब कोई किसी को कुछ सुन के अजीब लग रहा है क्या, कि इसमें से ये सारी प्रॉब्लम है क्या सच में? क्योंकि बर्थडे तो हम बड़ी खुशी खुशी मनाते हैं, राइट? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, बर्थ में क्या प्रॉब्लम है? किसी को कुछ, कोई सोच सकता है कि बर्थ में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम बर्थ से ही स्टार्ट होती है, बर्थ के बाद ही स्टार्ट होती ओके, लेकिन नहीं, बर्थ का प्रॉब्लम अगर हम अपना देखें जो अभी तक के सेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो हमको मुक्ति चाहिए, अपना वैकुंठ धाम में जाना, मतलब जमन जन्म के इस जो खेल है इससे मुक्ति पानी है। तो एक तरीके से तो प्रॉब्लम हो गई वो, अच्छा, ओके, हाँ तो आपको फिर वो जीना पड़ेगा, आपको इतने टाइम वो करना पड़ेगा। सो आई थिंक जन्म होना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, अगर हम अपने भागवत गीता और अपने इस थ्योरी को लेके चलते हैं तो उस हिसाब से तो एक प्रॉब्लम है ये। ओके, वो भी, ये भी बहुत अच्छा थॉट है एक्चुअली। लेकिन जन्म होना ना बहुत पेनफुल प्रोसेस होती है, पता है आपको, मतलब अपने आप में, मतलब एज अ ह्यूमन। और ये भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान बोलते हैं कि जिसको जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और मृत्यु और पैदा होना, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार चीजें जिनको प्रॉब्लम समझ में आती है ना कि ये प्रॉब्लम है, वो सच में उनको समझ में आता है कि प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। क्योंकि तो हम लोग अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझते हैं, बट इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही नहीं है। अब बर्थ क्या है, क्यों है प्रॉब्लम? क्योंकि अगर मैं आपको उल्टा टांग दूं 9 महीने के लिए एक अंधेरे कमरे में, ठीक है, और सारे पाइप वाइप लगा दूं इधर से उधर से, और बोलूं कि सारा खाना आपको पाइप से आएगा, ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं, बच्चे को तो होश नहीं होता। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने जिसके भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सबको पता है कि बच्चा पेट में होश में रहता है, ठीक है, काफी साल, काफी महीनों तक। और आपको ऐसे कोई लटका के रख दे तो कैसा लगेगा, कि आपको खुशी मिलेगी, मजा आएगा? मतलब सोच के देखना चाहिए, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट, फील करके देखो कैसी हालत हो रखी होगी। और उसमें भी ये कि अगर माँ ने कुछ तीखा खा लिया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, तो बच्चे को भी वो भुगतना पड़ता है। श्रीमद भागवत बहुत डिटेल में समझाता है हर महीने कैसे कैसे प्रॉब्लम से बच्चे को गुजरना पड़ता है जस्ट पैदा होने के लिए। हम बड़ी खुशी खुशी बर्थडे मनाते हैं, बट वो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था हमें से सबका।
ठीक है, जस्ट हमने भूल गए, लेकिन आप सोच के देखो कि कैसा लगेगा अगर आपको ऐसे लटकाया जाए आज के डेट में तो, राइट। और बाकी चीजें, डिसीज और बुढ़ापा, डेथ, ये सब तो सबको पता ही है कि देयर आर प्रॉब्लम और किसी को भी नहीं चाहिए और कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। कोरोना इज एग्जाम्पल, राइट। हमें से किसको चाहिए था कि आज का सेशन वर्चुअल हो? किसको चाहिए था? कुछ लोगों को चाहिए था शायद, बट फिर भी, राइट, वर्चुअल सेशन का एक नुकसान तो है ही है, हम सब मिल नहीं पाते हैं, प्रसाद भी नहीं खा पाते हैं। सो एनीवेज, सो बेसिकली दिस इज लाइक द प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स, एनीवन? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु जी, बर्थ के लिए जैसे कि बोला जाता है कि बहुत सारे योनि में जन्म होने के बाद मानव तन पाया, मतलब मानव तन मिलता है, और उस मानव तन का मकसद होता है प्रभु की भक्ति करना। तो एक तरह से तो ये अपॉर्चुनिटी भी है कि जो आत्मा दूसरे योनि में भटक रही है, इस योनि में आके एक द्वार खुल रहा है जहाँ पे वो भक्ति कर सके। नहीं, वो सब देखिए बड़ी बड़ी बातें हैं। मतलब पहले हम बेसिक तो समझते हैं ना कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं, राइट, हम लोग को ये चार प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है सच में। एज अ नॉर्मल ह्यूमन, फॉरगेट, आप ये भूल जाओ, मतलब यू नो कि अपॉर्चुनिटी है वगैरह वगैरह, लेकिन एज अ फिजिकली, राइट, अभी हम लोग नॉर्मली किसको प्रॉब्लम बोलते हैं? मतलब आपको अपॉर्चुनिटी है कि आपको लगता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आप खुश हो, राइट? कुछ तो प्रॉब्लम रहती है, ऑफिस की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि रियल प्रॉब्लम क्या होती है, कितनी पेनफुल होती है, ठीक है, और आपके पास सॉल्यूशन नहीं है उसका। मतलब हम लोग पहले नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल आदमियों की तरह सोचते हैं, तो नॉर्मली हमारे लिए बर्थ इज अ प्रॉब्लम, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। इवन तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं क्या? नहीं देखते ना, हम तो अपने कामों में लगे हुए हैं और अपनी प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब में लगे हुए हैं, राइट। तो पहले थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं कि नहीं नहीं ये रियल प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबको झेलनी पड़ती है। और आपसे जो बात की थी शुरू में ही, पहले ही सेशन में, कि हम सब सोल हैं, अगर हम सोल हैं तो हम लोग को ये काम बार बार करना पड़ता है, ये एक बार का नहीं है, ये आपको बार बार भुगतना पड़ता है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, अगेन एंड अगेन, राइट। सो बहुत पेनफुल है ये सारा कुछ, राइट। मतलब मैंने बताया थोड़ा सा, राइट, 9 months तक उल्टा लटका होना चाहिए पड़ता है, मदर के गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह सब पेनफुल होते हैं, राइट, वैरायटी ऑफ थिंग्स। सो वहीं पर ही उसी पैकेट में आपको लटका दिया, उसी में यूरिन पास करना है, उसी में स्टूल पास करना है, और वहीं पर ही लटका रहना उल्टा, सोच के देखो कैसा लगेगा। सो दिस इज द सिचुएशन, राइट, दैट वी गो थ्रू। सो एनीवेज, आई विल शेयर अ वीडियो विच टॉक्स श्रीमद भागवत से, जो एक एक मंथ में बच्चा किस किस स्टेट से जाता है ना, उसके बारे में बताता है। बहुत ही अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है बहुत, और इतना आश्चर्यजनक है कि अरे कैसे शास्त्रों में इतना सब कुछ लिखा हुआ है, ओके, कि हर महीने बच्चा कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, क्या क्या पेन होंगे, कब डेवलप होगी आईज, कब डेवलप होंगी हैंड्स, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड। ओके, सो एनीवेज, एंड ओल्ड एज, यस, इट्स अ वेल नोन थिंग, राइट, ओल्ड एज कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा बनना पड़े, राइट, सभी लोग आर्नोल्ड के पहले वाले जैसे दिखना चाहते हैं, बट ओल्ड एज तो आएगी, और एंड दैट्स अ रियल प्रॉब्लम, राइट। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, पूरी की पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी बात पे चल रही है, क्योंकि कोई भी ओल्ड नहीं दिखना चाहता है, सबको यंग दिखना है ना, अच्छी अच्छी फोटो आनी चाहिए, तो इसलिए सभी लोग कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। इवन डिसीज, राइट, डिसीज तो वी नो, हमें बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है ये फोटो क्या है। सो बेसिकली हर कोई अपना हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन हम सबको डिसीजेस होती हैं, है ना, और अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट अवॉइड इट, कोई भी नहीं चाहता कि उसे डिसीजेस हो। सिमिलरली डेथ, राइट, अब डेथ के बारे में तो सबको पता ही है, डेथ इज अ प्रॉब्लम, सबको, हर एक को लगता है कि उसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन सच बात तो यह है कि सभी की डेथ होने वाली है, राइट। अब यहाँ जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, आज से 150 साल बाद हम में से कोई भी नहीं बचेगा, राइट, इवन अगर मैं बहुत पॉजिटिव साइड में भी सोचू तो एटलीस्ट अनफॉर्चुनेट है, राइट, बट दिस इज हाउ इट इज, वर्ल्ड इज लाइक दैट, राइट। सो डेथ के बारे में गरुड़ पुराण बताता है कि जब डेथ होती है ना, तो ऐसी हालत होती है कि जैसे हजारों लाखों स्कॉर्पियो, यानी जो बिच्छू होते हैं ना, वो सारे एक साथ स्टन करते हैं, एक साथ काटते हैं, ऐसी फीलिंग होती है, इतना पेन होता है, ठीक है। और बेसिकली उसके आगे श्रीमद भागवत बताता है कि जब ऐसा कुछ होता है ना, तो आपकी आईज जो है ना, अंदर की एयर के कारण बल्ज हो जाती है, बाहर निकलने लग जाती है आईज, ठीक है, और आपके सारे जो ग्लैंड होते हैं ना, जैसे गला और ये सब,
भर जाता है, आवाज निकलनी बंद हो जाती है और आपके गले में कोई एक अजीब सी आवाज हो रही होती है और उसके 10 बाद डेथ हो जाती है। इतना डिटेल में समझाते हैं शास्त्र कि जब डेथ होती है तो कैसा फील होता है, किस तरह की हालत होती है। ऑब्वियसली हमने सबने देखा है, हमें से कोई भी नहीं चाहता ऐसी सिचुएशन में जाना, राइट, बट इसको बोलते हैं प्रॉब्लम। और हम जब इस बारे में बात करो ना तो हमें क्या सिखाया गया है बचपन से कि नहीं नहीं इन सब बारे में बात मत करो, अच्छी अच्छी बातें करो, राइट। बट अगर आप अच्छी बातें करोगे या बुरी बातें करोगे, प्रॉब्लम्स के लिए आंख बंद कर लेने से प्रॉब्लम दूर तो नहीं हो जाएगी, राइट। मतलब आप ये सोचते हैं कि हम लोग एक शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की तरह सर नीचे घुसा लें जमीन में तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई है, ये वही प्रॉब्लम है जो हमेशा से थी और है इटर्नली, राइट। सो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है अभी तक, कुछ थॉट्स किसी का? ओके, बट आई होप ये सिंपल है, राइट, हर एक को पता है हमें से। वन क्वेश्चन, सो दिस हैपेंस विद एनीबॉडी, में कई सारे डेथ्स के केसेस होते हैं ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट में हो गया या जो लोग नॉर्मल सिनेरियो में जिनकी नेचुरल डेथ हुई, तो सबको इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है नॉर्मली? देखिए डेथ इज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, ये तो पक्की बात है, चाहे आप किसी भी तरह के तरीके से हो वो एक एक्सपीरियंस पेनफुल ही होने वाला है, ओके, चाहे उसके एक्सीडेंट हुआ हो चाहे कुछ भी हो, मतलब वो अनबियरेबल पेन, अनबियरेबल तकलीफ से होता हुआ निकलता है कोई भी जी बाहर, कोई छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि हम इतना फंसे हुए हैं ना कि हम छोड़ना नहीं चाहते अपनी बॉडी, तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है और वो इसीलिए होता है क्योंकि हम इस बॉडी से अटैच हैं, ठीक है, जो नहीं है उनको नहीं होता है, बट वो बहुत रेयर लोग हैं। एनीवेज वो एक डिफरेंट टॉपिक है डिस्कशन का, बट दिस इज सिंपल, राइट, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा कहता है श्रीमद् भागवत और भगवद गीता। तो इसके अलावा और भी तीन चीजें हैं जो हमेशा हमेशा, क्योंकि आप बोलोगे कि अरे नहीं नहीं जन्म मृत्यु ये सब तो बहुत बाद की बातें, अभी तो लाइफ अच्छी है, अभी क्या प्रॉब्लम है ये सब फालतू बातें करने का, राइट, अभी तो पैसे कमाने का समय है तो अभी ये सब बातों में नहीं सोचते हैं, ठीक है, जब आएगी बीमारी आएगी, अभी तो हम घर पे बैठे हैं तो कोरोना का कोई डर नहीं है, बट नहीं इसके अलावा भी कुछ कुछ है जो हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो क्या हमेशा होता रहता है? तीन चीजें शास्त्र कहते हैं, तीन चीजें हमेशा होती रहती है और उनको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश, आधि भौतिक क्लेश और आधि दैविक क्लेश, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं ये तीन जो हमेशा चलते रहते हैं आपके साथ? तो ये क्या है? एक होता है आध्यात्मिक क्लेश, जिसको बोलते हैं आपकी बॉडी और आपके मन और शरीर से जो आपको तकलीफ होती है ना, माइंड एंड बॉडी से, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। तो आप खुद सोच के देखो ऐसी कितनी सारी तकलीफ है जो हमको अपनी हमारे ही बॉडी से और हमारे ही माइंड से मिलती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग पागल हो जाते हैं सोच सोच के, राइट, अपने ही माइंड के कारण। अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे नीचे, अगर मैं यहाँ पे 5 घंटे बैठ जाऊँ ना तो मुझे तकलीफ होने लगेगी, मेरी बैक दुखने लगेगी, पीठ दुखने लगेगी, मेरी ही बॉडी मुझे तकलीफ देना शुरू कर देगी, राइट। कभी किसी का सर दुखता है, कभी किसी का कुछ और होता है। अगर आप देखोगे तो मेंटल हेल्थ जो है ना, लोगों का माइंड जो है वो बहुत बड़ा इशू है, मतलब बहुत ही बड़ा इशू है, ओके। सुसाइड रेट हर साल बढ़ते जा रहे हैं इस देश में, इस दुनिया में, ठीक है। मैं स्विट्जरलैंड में था कभी एक पॉइंट पे और वहां पे मैंने सुना कि लोग छोटी छोटी कार्स खरीदते हैं क्योंकि हर कोई अकेला रहना चाहता है और वहां पे सुसाइड रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, इंटरेस्टिंगली बहुत ज्यादा हाई रेट है वहां पे। तो ये अपने आप ही हमारी बॉडी और हमारा माइंड खुद ही हमें तकलीफ देता रहता है और हमेशा लगातार, कभी हाथ दुखता है, कभी दांत दुखता है, कुछ कुछ होता रहता है, राइट। इसका कोई सोल्यूशन अपेरेंटली हमें नहीं मिलता अपने साइंटिफिक तरीके से, मतलब आप कुछ मेडिसिन खा लेते हो लेकिन पूरा सोल्यूशन नहीं मिलता है। आज ये वाली आईज दुख रही है, कभी वाली आईज दुखेगी, ऐसा कुछ तो चलता रहता है हमेशा। इसके बाद अगली चीज होती है जिसको बोलते हैं आधि भौतिक क्लेश। अब आधि भौतिक क्लेश क्या होता है? जो कि आपको दूसरे लिविंग एंटिटीज से मिलता है, दूसरे जीवों से मिलता है, लाइक टेररिस्ट होते हैं, राइट, कुछ नहीं तो मॉस्किटो होता है, आपका बॉस हो सकता है, राइट, आपका कोई और हो सकता है, कोई तो होगा जो आपको तकलीफ देता रहेगा। आपको स्लाइड दिख रही है ना आप लोगों को? यस, ओके ओके ग्रेट। सो किसी को लगता है ऐसी चीजें होती हैं, आधी भौतिक क्लेश होता है कि मतलब दूसरों के कारण हमें होता है, किसी ने फील किया है कि कभी कोई एग्जांपल? तो वेरी ऑब्वियस है, मतलब मॉस्किटो इज अ गुड एग्जांपल।
मॉस्किटो ही नहीं है, देखो किसी को अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, किसी को अपने बच्चों से प्रॉब्लम है, किसी को वाइफ से या हस्बैंड से प्रॉब्लम है, राइट कुछ नहीं तो मॉस्किटो से प्रॉब्लम है, वायरस से प्रॉब्लम है, राइट टेररिस्ट का कितना खतरा बढ़ गया है। सो हमें ये आधिभौतिक यानी चारों तरफ हमारे आसपास के लोग हैं ना जो हमें कंटिन्यूअसली तकलीफ दे रहे हैं, तो ये दूसरा एक क्लेश है जो हमेशा होता रहता है। और इसके अलावा एक तीसरी चीज भी है जिसको बोलते हैं आधिदैविक क्लेश। अब आधिदैविक क्लेश क्या होता है, कभी अकाल पड़ता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, कहीं पर आंधी आ रही है, कुछ कुछ हो रहा है, राइट जो कि चीजें हमारे बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर है। ओके ये सारी चीजें भी होती रहती है। तो ये जो तीन तरह के क्लेश है ना, जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये हमेशा ही हो रहे हैं हमें, हमारे साथ, आप चाहो या ना चाहो। तो मिला जुला के ये सात चीजें जो है, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि और उसके अलावा आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक क्लेश, जो कि हमेशा चल रहे हैं। हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स हमारी पर्सनल प्रॉब्लम बड़ी है, नहीं नहीं, आप हमेशा ही प्रॉब्लम में हो। जब कोई बोलता है ना हाथ मिला के कि हाउ आर यू, यस आई एम फाइन, हम बोलते हैं ना हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबको पता है ये बात कि हमें से कोई भी पूरी तरह से कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई है तो हाथ उठा सकता है अगर किसी को लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हम पर्दा पड़ा हुआ है हमारी आंखों पे, जहां पे हमें ये दिखना बंद हो गया है कि हमें सच में प्रॉब्लम है लाइफ में। पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, तब उसको सॉल्व करने की बात करेंगे। पहले तो ये समझते हैं ना कि इस लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं, राइट। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है किसी पॉइंट पे भी तो हाथ उठा सकते हो आप। ओके सो एनीवे, सो अभी देखते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम्स है तो इनकी क्या सॉल्यूशंस टेम्परेरीली साइंस से मिलती है, ठीक है। तो जनरली आप खुद सोच के देखो, टेम्परेरी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट आपको कुछ बीमारी हो गई है तो ये सारी चीजें, राइट ब्लड प्रेशर हो गया है तो ब्लड प्रेशर मेजर कर लो, और एक गोली खा लो और दूसरी गोली खा लो या कुछ और कर लो, राइट यही सब, दिस इज द सॉल्यूशन। बट अगर आप देखोगे तो अपने आप ही बुढ़ापा आता जाएगा और बीमारियां भी अपने आप आती जाएंगे, और आप कितनी भी रिसर्च कर लो, कितना भी कुछ कर लो, एक वेव के बाद दूसरी वेव भी आती जाती है, राइट मतलब सब कुछ कंट्रोल से बाहर है। क्या चल रहा है, इतने साइंटिस्ट, इतना रिसर्च, इतना सब पैसे, सब कुछ लग गया, सालों लग गए, राइट हमें भरोसा था एक कुछ साल पहले कि नहीं नहीं साइंटिस्ट के पास सारी चीजों का इलाज है, बट अभी ये ऑब्वियस है, हमें खुद दिखाई देता है कि सब कुछ करके भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट जो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है सारी कुछ। ओके सो इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बाद भी डेथ रेट जो है ना वो वही का वही है। ओके मतलब डेथ रेट इनफैक्ट 100% है, ओके कभी कम नहीं हुआ, जो भी पैदा हुआ है उसकी डेथ हुई है आज तक, कितनी भी साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद भी 100% डेथ रेट है, ठीक है। तो जो रियल प्रॉब्लम्स है ना उनका सोल्यूशन साइंस से नहीं हो पा रहा है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहले प्रॉब्लम्स को समझना होगा, और हम इन्हीं साइंस के ऊपर अपना पूरा बेस करके रखा हुआ है हमने, बट उससे सॉल्व नहीं हो रही है ये चीजें। ओके सो फॉर एग्जाम्पल ये दिस पर्सन, किसी को पता है कौन है, ऐसे लिखा हुआ है स्लाइड पे, पर है कौन है पता है क्या, मोहम्मद अली बॉक्सर, बॉक्सर राइट, फेमस बॉक्सर। मतलब वो बोलता था कि मैं क्या आई फ्लाई लाइक अ बर्ड एंड स्टंग लाइक अ बी, मतलब यू नो मैं एकदम जैसे एक हनी भी होती है ना, मतलब यू नो एक मधुमक्खी की तरह दांत वो मर्द करता हूँ, मतलब यू नो ऐसा बोलता था मोहम्मद अली। और बहुत सारे केसेस हुए इसके, लेकिन इसका क्या हुआ फाइनली पता है आपको, इतना पावरफुल था, इतना फेमस बॉक्सर था एक जमाने का मोहम्मद अली, जब उसकी डेथ हुई थी ना तो पार्किंसन डिसीज हो गई थी उसको, आई होप आपको एनिमेशन दिख रही है, जब उसने ओलंपिक का टॉर्च पकड़ा था ना तो उसके हाथ और ये सब कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। कोई नहीं चाहता था, वो भी नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, बट ये हुआ उसके साथ, राइट। तो किसी का भी मन नहीं होता कि आपको ये सारी प्रॉब्लम आए लाइफ की, एंड दिस इज ट्रू, राइट, लेट्स एक्सेप्ट इट। हम लोगों को लगता है हम बड़े खुश हैं, हमने पैसे कमा लिए काफी, थोड़े पैसे हो गए, थोड़ा घर बन गया, कार आ गई, तो बस सब कुछ अच्छा अच्छा है, नहीं कुछ भी अच्छा नहीं है। ओके आपके आसपास के लोग, कोई कुछ भी पक्का नहीं है, सब चीजें टेम्परेरी है, आपकी लाइफ भी टेम्परेरी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले, तब हम सॉल्यूशन पे जाएंगे फिर इसके। ओके तो आप बोलोगे कि क्यों लोग शास्त्र में क्या ज्ञान है, शास्त्र में आपके जीने का तरीका है ऐसे जैसे कि आप पावरफुली जी सको, इस बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, इन सबको ये सब जो है ना, यही साइंस जो है वो यही सब दे सकता है, पेन किलर और एक मेडिसिन वगैरह वगैरह, लेकिन उससे सबसे एक्चुअली आपका दर्द खत्म नहीं होता है, आपकी दुख और तकलीफ खत्म नहीं होते हैं, आपके जो
पास के लोग हैं वो वापस नहीं आ जाते हैं, आपकी वो प्रॉब्लम्स रियल हैं, ओके okay? हमको ये समझना होगा पहले, ठीक है। और ये एक मार्टिन लूथर किंग है जूनियर, पता नहीं किसी ने नाम सुना है या नहीं, उसने बोला था कि आजकल आज दुनिया ने इतना एडवांसमेंट हो गया है ना कि लोग हवा में उड़ सकते हैं, पानी के अंदर भी वो कर सकते हैं सबमरीन के थ्रू, राइट, लेकिन इतना पोल्यूशन हो गया है कि हम लोग जमीन पे ठीक से नहीं चल सकते। अब ऐसी हालत नहीं है, यूएस में स्ट्रीट्स जो होती है, रोड होती है, वहां पर नॉर्मली पैदल चलना कई स्ट्रीट्स में अलाउड नहीं होता है क्योंकि वहां पे इतना हाईवे होता है, राइट, मतलब इतने ट्रैफिक के साथ, इतने पॉल्यूशन और ट्रैफिक के कारण हमारा इतना साइंटिफिक वो सब होने के बाद भी हम लोग रोड पे चलना पॉसिबल नहीं रह गया, राइट। तो ये है साइंटिफिक एडवांसमेंट जिसको हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन हमें क्या मिला क्या है आखिर साइंस से, मतलब ये जो ये है ना, ओके लेट मी शो दिस वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये एक्चुअली प्लास्टिक के ऊपर है कि हम कितनी प्लास्टिक एक्चुअली हमारे खाने में जाती है रोज, क्योंकि इतनी ज्यादा प्लास्टिक हमने क्रिएट कर ली है ना कि अभी इस प्लास्टिक को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, आप में से पता हो नहीं, किसी को पता हो या नहीं, बट बेसिकली जो प्लास्टिक है ना इसको खत्म नहीं कर सकते आप, ओके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, तो प्लास्टिक तो क्रिएट कर ली हमने लेकिन अब हमें पता नहीं है कि उसका क्या करना है, और वो प्लास्टिक ना धीरे धीरे करके खाने में हमारे आ रही है क्योंकि बड़ी बड़ी माइक्रो प्लास्टिक बन जाती है वो, और फिर वो हमारे खाने में पानी में सब में मिल जाती है और वही प्लास्टिक हम खा रहे हैं रोज, ठीक है। तो साइंस ने एडवांस तो बड़ा किया है, एटम बम बनाए जिससे कि लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की टुकड़े टुकड़े हो गए, ये सब तो किया है, लेकिन सच में क्या और कुछ हुआ है इसके अलावा? पर ये जो भी है ना ये सब कुछ टेम्पररी सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बाल अगर बूढ़े हो गए हो, वाइट हो गए हेयर, तो हेयर डाई लगा लो, राइट। अगर आपको रिंकल आ गए हैं तो कुछ फेस लिफ्ट करा लो, राइट। अगर बैक पेन हो रहा है तो पेन किलर खा लो, राइट। अगर आपको वो नहीं आ रही है, ब्रीदिंग नहीं आ रही है, तो ऑक्सीजन ट्यूब लगा लो, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस हैं नो डाउट, मतलब लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है, राइट। हमें से कितने लोग टेम्परेरी सॉल्यूशन में जीना चाहते हैं, बट हमें अल्टीमेटली ऐसे ही सॉल्यूशन मिले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिले। ये पहले मतलब मैं इतना निगेटिव टोन में बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों को, काफी लोगों को ये डाउट होता है कि हमें प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में कुछ भी, सब कुछ अच्छा अच्छा है, राइट। तो पहले आँख खोल के देखना होगा कि सच में प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करने पे जाएंगे, राइट। एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए, ओके ऑलराइट। बट हाँ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये चारों प्रॉब्लम सबको होंगी, ये जरूरी नहीं है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है किसी कार एक्सीडेंट में मर गया तो हो सकता है उसकी ओल्ड एज नहीं आई है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो होंगी, सबको होंगी ये कहीं नहीं लिखा है, बट ये चार प्रॉब्लम आने ही वाली है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स डेथ तो कभी ना कभी होगी, किसी भी एज में हो सकती है, यू आर राइट, मतलब हो सकता है पेट में डेथ हो जाए तो डेथ बर्थ भी नहीं हुई हो सकता है, लेकिन डेथ तो हुई ना, मतलब कुछ तो कुछ ना कुछ तो होगा ही उसके साथ, ओके। So one of them will be applicable. One or more, at least. हाँ, one or more. Exactly. तो ये पैची सॉल्यूशन से क्या हुआ ना कि अब जैसे दिखने में बड़ा स्मार्ट सा दिख रहे हैं हर कोई रोड पे, लेकिन अगर आप देखोगे तो अंदर कुछ नहीं हो रखा है, राइट। सिचुएशन कुछ ऐसी सी है, और बहुत लोगों के साथ ऐसी है, अगर आप पूछोगे ना कभी कभी आसपास लोगों से, लोगों ने बड़ी 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 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, और पता करोगे तो पता चलेगा अरे सब कुछ लोन पे है, घर भी इतना बड़ा लोन पे ले रखा है, कार भी लोन पे है, फ्रिज भी लोन पे है, और सब कुछ लोन पे है, राइट। तो हम लोगों ने अपनी लाइफ को कुछ ऐसा सा बना रखा है, पैची दिखाने से, ऊपर से अच्छा पॉलिश वॉलिश लगा के, अच्छा फेस में कुछ कलर करके, बाल को भी कलर करके हम खुश खुश दिखाई देते हैं, राइट, फेसबुक में फोटो डालते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन कितनी एक्चुअल में खुशी है हमारे पास पर्सनली, राइट, अपनी लाइफ में, अपने अपनी फैमिली में, राइट, वो सोचना चाहिए हमें कि क्या हम खुश हैं सच में, राइट। सो या दिस इज पैच अप सॉल्यूशन, राइट। मिरर में लायन दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में कैट है। तो ये सारी चीजें साइंस के बस की नहीं है, चाहे वो बुढ़ापा हो, चाहे डिसीज हो, चाहे डेथ हो, सिर्फ पैच लगाया जा सकता है, और डेथ का तो फाइनली कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ओके। सो अल्टीमेटली होता क्या है ना कि इतनी जितनी भी लग्जरी, चाहे कितना भी बड़ा लैपटॉप हो, बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम हो, इन सब से हमको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सोल है ना, जो हमारा, हमने बात की थी पहले सेशन में कि सोल एक चीज है, जीव है, और वो जो जीव है ना
उसको सेटिस्फेक्शन, उसका जो संतुष्टि है ना, वो इन चीजों में नहीं है। वो हमने बात भी की थी कि वो आया था कहीं पर से, वैकुंठ से यहाँ पर, और यहाँ पर आके फंस गया। ओके, और यहाँ पे जितना भी उसको दे दो उसको कोई मजा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये फिश है, फिश को अगर मैं पानी के बाहर लाके रख दूं और उसको खूब सारी चीजें दूं, इंटरनेट दूं, सिगार दूं, कोल्ड ड्रिंक दूं, सारी अच्छी अच्छी चीजें दूं उसे, जो भी सो कॉल्ड अच्छी चीजें हैं, राइट, तो क्या वो खुश होगा वो फिश यहाँ पर बैठ के? पैसे भी दे दूं, सब कुछ दे दूं, राइट, तो खुश नहीं होगा, उसे कभी खुशी नहीं मिलेगी, एक आनंद नहीं मिलेगा। और वो इसलिए क्योंकि फिश की जो नेचुरल जगह है ना वो पानी में है, और उसे जो आनंद है ना उसे वहीं पर ही मिलने वाला है। तो इसी तरह जब जीव, शास्त्र बताते हैं इस बारे में बहुत डिटेल में कि अगर अगर आपको सच में आनंद चाहिए ना तो यहां से बाहर जाने की सोचनी चाहिए, ठीक है, और सोचना चाहिए कि भगवत धाम कैसे जाए, ठीक है, वैकुंठ कैसे जाए, क्योंकि सारा आनंद वहां पर है, यहां पर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हाथ आने वाला है और कुछ भी नहीं मिलने वाला। राइट, सो जिस तरह से एक फिश को, एक मछली को जैसे ही पानी में डालो वैसे ही वो खुश हो जाएगी, बाकी कुछ भी दे दो उसे, सिगार वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, कुछ कोई क्वेश्चन किसी को है? कुछ बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है तो बताइए। नहीं अभी तक ठीक, अभी तक ठीक है, अंडरस्टूड। ऑलराइट, या इन केस होल आइडिया इज कि थोड़ा इंटरएक्टिव रखने का इंटेंशन है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है या ज्यादा समझ में आ जाता है और आप शेयर करना चाहते हो तो भी शेयर कर सकते हो, एनीथिंग इज ओके। ओके, सो एनीवेज, सो ये सिचुएशन है फिश की। ये एक स्टोरी है बहुत फेमस, डिसोल्यूट आइलैंड करके, मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, 31 दिसंबर को गया, पार्टी वार्टी कर रहा था कहीं पर और किसी जगह पे, और वो गिर गया साइड में, और गिर के ना वो गया, उसको लगा कि उसको बहुत सारे आदिवासी मिले, एकदम जंगल वंगल वाली जगह थी तो उसको कुछ आदिवासी मिले, उसे क्या लगा कि अरे ये लोग मार डालेंगे मुझे, तो उसने ये सोचा कि अच्छा ठीक है मार देंगे, तो डर गया वो, देखिए उसको पकड़ के वो लेके गए और उसको बोले हम आपको अपना राजा बनाएंगे। उसको लगा अरे यार कैसे राजा क्यों बना रहे हो, उसको बढ़िया सा एक ताज वाज पहना दिया, उसको बढ़िया राजा बना दिया, तो खुश हो गया वो कि ओके कुछ दिन तो अच्छे भले चले क्योंकि बढ़िया खाने को देते थे, राजा की तरह रहता था, सब कुछ था। फिर और उनमें से एक ने बोला कि हमको ना हर भगवान हर दिन हर 21 दिसंबर को एक राजा भेज देता है, ऐसे कुछ तो बताया किसी ने, तो उसके मन में आया कि ये कैसी बात कर रहे हैं। तो उसने पूछा ये क्या, इसके पहले भी कोई राजा था क्या मुझसे पहले? उसने बोला हाँ था एक राजा था। तो बोलता है फिर उसने क्या किया तुमने? तो बोलते हैं कि हमने एक साल के लिए राजा रखते हैं और जैसे ही एक साल खत्म होता है ना वैसे ही हम एक आइलैंड है अंडमान निकोबार में कहीं पर, उस आइलैंड में जाके छोड़ आते हैं उसको, और वहां पे कुछ खाने पीने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोड़ के आ जाते हैं। तो इसकी हालत खराब हो गई, इसको लगा ओ ऐसा भी कुछ है, मतलब तो गड़बड़ होने वाली है। तो उसने सोचा ओके क्या करना चाहिए अभी, तो फिर उसने क्या किया, उसने हर बार एक बोट अरेंजमेंट किया और उस बोट से धीरे धीरे थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, थोड़ा खाने की चीजें, थोड़े ब्रिक्स सब ना उस आइलैंड में रोज रोज करके भेजना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ओके। और जब एक साल खत्म हुआ तो उसको ले जाके आइलैंड पे छोड़ दिया, लेकिन इसने काफी सारी चीजें इकट्ठी कर ली थी वहां पे, उसने बढ़िया सा अपना एक बंगला बनाया और वहां पे बंगले में रहने लगा। ओके, सो द पॉइंट इज दैट कि हम लोग भी ना ले दे के एक साल के राजा हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब हम लोग की सिचुएशन ऐसी है क्योंकि हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उसके बाद डेथ भी आने वाली है और उससे कोई नहीं बच सकता, राइट। और एक जो इंटेलिजेंट आदमी होता है और एक जो मूर्ख होता है उसमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है, जो इंटेलिजेंस होता है उसको भगवान पे बिलीफ होता है और वो ना भगवान के हिसाब से काम करता है, सोच के कुछ सोच समझ के कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। और जो फूलिश होता है वो सोचता है कि खाओ पियो मजा करो, राइट। जैसे अगर वो राजा की तरह, वो राजा जो है वो एक साल तक ऐश कर लेता तो उसके बाद मजा करने को कुछ नहीं बचता उसके पास, और वो समझता है जो इंटेलिजेंट आदमी होता है कि एक्चुअली ये जो वर्ल्ड है ना ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ओके। और फुलिश आदमी सोचता है कि नहीं नहीं ये सब फालतू की बातें हैं, मैं तो ऐश करना चाहिए अभी, राइट, अभी मेरी उम्र ही क्या है, ये सब अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी तो एज के बाद की बात है, अभी तो हम ये सब ऐश करने का टाइम है, ओके। और पता नहीं है, जैसे वो बोल रहे थे अमित जी कि कुछ पता नहीं है कि बुढ़ापा आएगा या नहीं, यू डोंट नो, राइट, ओल्ड एज आने भी वाली है या नहीं, बट वो सोचता है, एक फुलिश आदमी सोचता है कि नहीं नहीं वो बहुत खुशी खुशी इंजॉय करेगा, कोई चिंता नहीं है, कल की कल जो होगा देखा जाएगा, राइट। और जो एक इंटेलिजेंट आदमी होता है वो अपना रेगुलेटेड लाइफ जीता है, सोच समझ के जीता है क्या गलत है और क्या सही है, ओके। और एक फुलिश आदमी सोचता है कि
कुछ कुछ करूंगा और सब कुछ करने के बाद आखिरी में वो नर्क में जाता है, ठीक है। तो ऐसी सी सिचुएशन होती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना, हमारी जो लाइफ है ना, जहां हम जी रहे हैं ना अभी, ये ट्रेन में जर्नी की तरह है। जैसे ट्रेन में कुछ लोग मिलते हैं, सब मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना भी शेयर करते हैं, पॉलिटिक्स पे बातें होती हैं, कभी रिलीजन पे बातें होती है, दुनिया भर की बातें होती हैं, राइट। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके उनमें से एक आदमी का स्टेशन आ जाता है और वो उतर जाता है, फिर किसी और का स्टेशन आता है वो भी उतर जाता है। तो ऐसी सी सिचुएशन है हमारी, हम लोग जिसको अपना परिवार घर दोस्त समझते हैं ना, एक एक करके वो भी उतर जाएंगे। ये है रियालिटी, इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए लोग बोलते हैं, बट क्यों ना करें भाई, रियालिटी तो है, मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, राइट। सो महाभारत में एक स्टोरी आती है, तो जब युधिष्ठिर होते हैं ना, युधिष्ठिर किसी ने सुना है ना, राइट, तो उनका ना यक्ष के साथ एक डिस्कशन होता है, एक यक्ष मिलता है जो उनके सारे ब्रदर्स को, सारे भाइयों को मार देता है, और फिर यक्ष बोलता है मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं छोड़ दूंगा, इन्हें वापस जिंदा कर दूंगा। तो ऐसा सुन के महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं ठीक है चलो। तो यक्ष उनसे ये प्रश्न पूछता है कि सबसे आश्चर्य की बात क्या है इस दुनिया में, कौन सी सबसे आश्चर्यजनक बात है, ओके, क्या बोलते हैं आपको, क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी सबसे आश्चर्यजनक बात है इस दुनिया की, एनी थॉट्स, किसी को कोई कुछ लगता है? सब लोग एक दूसरे को मरते हुए देखते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो कभी नहीं मरेंगे। हाँ ये तो वैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है वैसे तो जवाब, लेकिन दिस इज व्हाट इज राइट। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं, सारे लोग मरे हैं, हर रोज मर रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं, बट जो मूर्ख है ना उनको लगता है कि अरे मेरी डेथ नहीं होगी। हर किसी को ऐसा लगता है ना, आपको भी लगता होगा ना कि मेरी डेथ नहीं होगी, राइट। तो सबको ऐसा ही लगता है, इवन दो सभी की डेथ हो रही है लगातार, और सबको पता है कि हमारी भी होगी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है ना। ये बहुत आश्चर्य की बात है, बोलते हैं सबसे आश्चर्य की बात है इस दुनिया की, राइट। और सच में आश्चर्य की बात तो है रियली, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन, राइट, कि मतलब जो जो मूर्ख होता है ना वो हमेशा अपने इंजॉयमेंट के लिए सोचता रहता है सिर्फ, और उसके लिए सही और गलत कुछ भी नहीं सोचता, और वो समझता नहीं है कि ये सब टेम्परेरी है, ठीक है, और इसको करने के लिए भगवान का कोई भी नियम तोड़ने को तैयार होता है। और हमें पता है सही क्या है और गलत क्या है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, राइट, लेकिन फिर भी हम तोड़ने को तैयार हो जाते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो मूर्ख और समझदार आदमी में, जैसे मैंने बताया ना कि वो जैसे कैसे उस राजा ने धीरे धीरे करके इकट्ठा किया था, और जिसके कारण वो समझदार की कैटेगरी में आया, उसने एंजॉयमेंट कम की और साथ में अपना फ्यूचर के लिए भी कुछ जोड़ा, क्योंकि एक साल बाद उसको पता था कि उसको फेंक दिया जाएगा। हमें भी पता है कि आज से 150 साल बाद हमें फेंक दिया जाएगा एट मोस्ट, राइट। तो एक दिन तो सबके साथ ही है ये सब, ओके। सो एनीवेज, तो ये हमारी हालत है एक्चुअली। आप देखोगे ना कि यहाँ पे जैसे ये सब गोट है ना, ये सो बकरियां हैं, ये सारी एक्चुअली घास खा रही है नरम नरम, और बहुत खुश हैं कि अरे हमें घास खाने को मिल रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो ध्यान नहीं देती है कि एक एक बकरी धीरे धीरे कसाई के रूम में जा रही है, ठीक है, लेकिन जो बाकी बची बकरियां हैं ना वो मजे से घास खा रही हैं, उनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ नहीं होगा, राइट। लेकिन एक एक करके सभी कसाई के पास कटने के लिए जा रही है। और ऐसी ही सिचुएशन हमारी भी है, हमारे आसपास हमको दिखता है सब कुछ होता हुआ, लेकिन हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, राइट, और हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं अभी भी, एंजॉयमेंट वगैरह वगैरह, राइट, सो कॉल्ड। एनी थॉट्स? ओके, अब मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर पॉसिबल हो तो आप लोग कैमरा ऑन करके रखिएगा, राइट, अगर किसी ने नहीं किया तो, क्योंकि आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो आपका फोकस ज्यादा अच्छा होगा। और प्रभु जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। मतलब हमें तो लगता है, मतलब मुझे तो लगता है कि मेरी डेथ होगी, लेकिन ये नहीं लगता कि कब होगी, मतलब ये लगता है कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो नेचुरल एक डेथ होगी, जब बुढ़ापा आएगा तब को मरना ही है, राइट, पर टाइम तो किसी को नहीं पता होता कि कब जाएगा। हाँ। तो वो ऐसा ऐसा लगता है कि हम, हमारी उम्र हो जाएगी मतलब 60-70 साल के हो जाएंगे तब तो मरने ही, बट हमें पता है ना कि ऐसा पक्का नहीं है। हाँ वही है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं कि अभी भी हो सकती है। हाँ, अभी भी हो सकती है, नेक्स्ट सेकंड भी हो सकती है। जिसको ये समझ में आता है ना, चाणक्य ने कहा था एक बार, एक संस्कृत में श्लोक है, चाणक्य बोलते हैं कि अगर आपको ना मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब यू नो अपने पैसे कमाने और ये सब करने हैं ना, तो ये मान लो कि कभी डेथ नहीं होने वाली, और खूब रगड़ के मेहनत करो, और अगर आपको ना स्पिरिचुअल
जो लोग होते हैं ना वो ये मान के चलते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट मेरी डेथ हो सकती है, ठीक है, कभी भी हो सकती है, तब आप जो है ना अध्यात्म को स्पिरिचुअलिटी को सही से समझ सकते हो, और जो कि सच है एक्चुअली, राइट, कभी भी डेथ हो सकती है, तो इसलिए समझना जरूरी है, इसको सीरियसली लेना जरूरी है, राइट, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी तब तक सॉल्यूशन कैसे खोजेंगे, तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम रियल है ये एक्चुअली, राइट, तो एनीवेज, सो बेसिकली अब ये सब तो हो गया, अब हम वैदिक सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं कि वेदास इनके बारे में क्या बताते हैं, और जो मैंने वो आइलैंड की स्टोरी बताई ना वो बहुत बहुत सोचने वाली है, कैसे हम धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे हम SIP होता है ना, SIP पता है किसी को, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा इन्वेस्ट करते हैं, इंजॉय भी करते हैं लेकिन अपने थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे सोचना बहुत जरूरी है इसके बारे में, अपने बुरे वक्त के लिए सोचने के लिए, ओके, तो इसमें वैदिक सिस्टम दो इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करता है, दो इंपॉर्टेंट चीजों का आंसर देता है, वो कौन से क्वेश्चन है कि मैं क्यों सफर कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, और दूसरा ये कि मैं ये हूं क्यों, कर क्या रहा हूं, चल क्या रहा है यहां पे, मेरा गोल क्या है लाइफ का, ओके, कि मेरा मैं क्यों, क्या एम है, क्या गोल है, और मैं सफर कर क्यों रहा हूं, ये दो चीजों का बहुत ही अच्छे से आंसर देते हैं वेदास, ओके, सो पहला क्वेश्चन कि मैं सफर क्यों कर रहा हूं, राइट, सो बेसिकली हम लोग ये सब जो है स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि हम इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि हमने ना भगवान की जो डायरेक्शन है ना उसके उल्टा जा रहे हैं, अगर हमने बात की थी इस बारे में शुरू में पहले सेशन में भी थोड़ी सी बात की थी कि शास्त्र बताते हैं कि हम जो है वो भगवान के साथ थे वैकुंठ में, और कुछ कारणों से हमें वहां से यहां आ गए, क्योंकि क्यों आ गए, क्योंकि हमें इंजॉय करना था, और अभी भी हम वो इंजॉयमेंट की कोशिश कर रहे हैं और हमें इंजॉयमेंट मिलता नहीं है, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते इस इंजॉयमेंट से, बहुत कोशिश की, सब तरह की ट्राई की चीजें, लोग पब में गए, डिस्को में गए, वगैरह वगैरह, एक्स वाई जेड सब कुछ ट्राई किया, राइट, इनफैक्ट शास्त्र तो बोलते हैं कि आपने अलग अलग जन्म लेके अलग अलग तरह से भी ट्राई किया, कभी लॉन्ग टेल वाला कुत्ता, कभी छोटी टेल वाला कुत्ता, कभी मोटा कुत्ता, कभी पतला कुत्ता, अलग अलग तरह की लाइफ में पैदे होके ट्राई किया, पर मजा नहीं आया अभी तक, तो हमने जब तक भगवान से दूर हट रहे हैं ना इसलिए हमें कभी भी इंजॉयमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है, इसलिए हम खुश नहीं है, ऐसा कहते हैं शास्त्र, और कैसे मिले इंजॉयमेंट, तो शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को भगवान देखिए, क्योंकि हमने पहले बार बात की थी, जब हमने दूसरे सेशन में जब हमने बात की थी कि भगवान है या नहीं है, तो हमने ये बात की थी कि दोनों ही चीजें डरने वाली हैं, अगर भगवान नहीं है तो बहुत डरना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये दुनिया कैसे चल रही है, कभी भी अर्थ सन में जाके टकरा सकती है, राइट, तो डरने की बात है, और अगर भगवान है तो इसलिए डरने की बात है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो हमसे क्या चाहता है, कोई आइडिया नहीं है, इतना पावरफुल एक चीज है जो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है हमें कोई भी आइडिया नहीं है इस बारे में, राइट, तो शास्त्र कहते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी को ना भगवान के साथ अलाइन कर सकें, भगवान जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में अलाइन कर सकें, तो हमारी सफरिंग खत्म हो जाएंगी, तो हम खुशी खुशी रह सकते हैं, ठीक है, अब कैसे अलाइन करें इसके बारे में शास्त्र डिटेल बताते हैं, और वो डिटेल है, वो हम बात कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन क्या है वो हम आगे आगे समझेंगे, लेकिन हमने क्योंकि भगवान के डायरेक्शन में अलाइन नहीं है हमारी लाइफ, उस दिशा में नहीं है, इसलिए हम तकलीफ में है ये सारे कुछ, ओके, एनी थॉट्स, एनी क्वेश्चंस, बिकॉज ये आई नो आज का सेशन हम अब हम डिटेल में थोड़ा जा रहे हैं स्क्रिप्चर के, इसलिए हो सकता है कि कुछ चीजें मैच ना हो रही हो, बट व्हाटएवर इट इज लेट मी नो, मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, यहां पे यार क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था वहां पे, यार आपने जब देख के इसे एक स्लाइड पहले दिखाई कि हम हैं तो मतलब हमारा जो कनेक्शन है रूट हमारी वो बैकग्राउंड धाम है, ठीक है, बट फिर आपने एक स्टेटमेंट बोला कि हमको कुछ एंजॉय करना था इसलिए हम यहाँ पे आ गए, बट वो एंजॉय कहीं मिला नहीं और हम जन्म दर जन्म भटकते रहे ऐसे करके, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, आए क्यों यहाँ पे, जब वो तो एक अल्टीमेट है जहाँ पे बैकुंठ धाम में अगर हम हैं, अल्टीमेट है वो, तो मतलब उससे तो ना कुछ ऊपर है ना कुछ उस, मतलब उसको कोई डेफिनेशन नहीं है उसके एंजॉयमेंट के, मतलब एक आपने हमेशा बोला कि स्टैटिक है वहां पे हर चीज, मतलब एक तरीके से एक
मतलब भगवान है तो मतलब उसका उससे मेरे को उसकी डेफिनेशन नहीं पता है, वहां पे सब कुछ आपके पास में ठीक है जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फिर करने की कोशिश नहीं, तो क्या होता है यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या होता है ना, वैकुंठ में ना हम भगवान के साथ अलाइन होके एंजॉय करते हैं, अलाइन होके मतलब भगवान बैठे हैं सिंहासन में और हम उनको पंखा झल रहा है कोई, ठीक है, उससे भगवान को आनंद मिल रहा है और हमें भी आनंद मिल रहा है उस पंखा करने से, क्यों, जैसे आपको अपने बच्चे का टेक केयर करने से आनंद मिलता है ना, रात में उठ के उसकी डायपर चेंज करने से आनंद मिलता है ना, माँ बाप खुश रहते हैं कि बच्चा सो रहा है ध्यान से, राइट, उसी तरह से आनंद मिलता है सबको, ठीक है, लेकिन सेवा करने में आनंद मिलता है, लेकिन सेवा भक्ति मतलब, तो सेवा का मतलब झाड़ू लगाना नहीं होता, सेवा का मतलब होता है जो प्यार जैसे एक माँ और बच्चे का होता है, राइट, हस्बैंड वाइफ का होता है, राइट, हम एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, प्यार करते हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक जो जीव है ना उसका एक दो चीजें कॉन्स्टेंट है, जो जो सनातन धर्म है एक जीव का वो ये है प्यार करना और सेवा करना, राइट, लव एंड सर्विस, ये दो चीजें कॉन्स्टेंट है हर एक के लिए, और आप चाहो चाहे ना चाहो, आप चाहे स्पिरिचुअलिटी को मानो चाहे नहीं मानो, तो क्या होता है कि क्योंकि हम लोग इनसे दूर हो जाते हैं ना जब, और लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में अपना प्यार और अपनी सेवा डायरेक्ट करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये हम भूल गए, ओके, हम ये भूल गए हैं कि हम एक्चुअली भगवान की तरफ डायरेक्ट करेंगे तो हम खुश रहेंगे, यही वो स्लाइड बता रही है ये, और वहां पर भी ये हुआ वैकुंठ में भी, जब हमने अपना ये सोचा कि मैं क्यों ना एंजॉय करूं, ये थॉट इनफ है आपको ये सब देखने के लिए, ओके, आपने जब सोचा ऐसा कि मैं एंजॉय करके देखता हूं, राइट, मैं क्यों ना सिंहासन में बैठूं और कोई और पंखा चले, तो आप आ गए यहां पे सिंहासन में बैठने के लिए, राइट, लेकिन उस सिंहासन में बहुत कील लगी हुई है, मजा नहीं आ रहा, राइट, हां बोलिए, तो क्या ये कहना सही है कि वहां पे रह के भी मतलब हम तो वहां पे एक आत्मा वाले रूप में रहते हैं, मतलब ऐसा ही कुछ होता होगा, राइट, आत्मा रूप में कोई भी प्रारूप होता होगा हमारा वहां पे, सॉरी, तो क्या ये कहना सही है कि वहां पे रह के भी हम आत्माओं को एक ऐसा थॉट आ जाता है कि व्हाई आई शुड नॉट एंजॉय, और वो थॉट आते ही हम यहाँ पे टपक, व्हाई आई शुड नॉट एंजॉय इंडिपेंडेंटली, ओके, हाँ, तो वो थॉट वहां पे भी आ जाता है, देखिए आप ऐसे सोचिए कि एक सिर्फ थॉट आया, ओके, वैकुंठ में मैं मतलब अगर शास्त्र की समझेंगे तो वैकुंठ में टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके, यहाँ पर आपने 1 करोड़ जन्म भी ले लिए ना और वापस आप गए ना, तो वहां पर 1 मिनट भी नहीं बीता होता है, अच्छा, ओके, तो आपने कुछ किया नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है, बट आपकी ये थॉट और आपका फिर ये एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है साथ में इस थॉट के साथ, क्योंकि ये जो था ना ये थॉट सही नहीं था, जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कुछ चीजें फिर हमको लगता है नहीं नहीं ये सही नहीं है, राइट, वैसी सी चीज हुई आपके साथ और उस बीच में आप ये एक्सपीरियंस ले रहे हो जो अभी चल रहा है, ठीक है ना, तो कुछ हुआ कुछ नहीं है, एंड हमारे भी मन में कभी थॉट आते हैं गलत, फिर लगता है नहीं नहीं ये सही नहीं है भाई, है ना, वैसा कुछ हुआ, राइट, सो हमें अगर भगवान के लिए अलाइन करेंगे ना, और अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे क्या होता है कभी कभी हम भूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम नहीं भूल जाते हैं, आपने मूवी में देखा होगा राइट कि कोई हीरो होता है चोट लग जाती है सर पे सब भूल जाता है ना, उसको फिर क्या करते हैं उसके घर वाले, उसको माँ बाप और उसके दोस्त सब ले जाते हैं, गाना वाना गाते हैं, उसको गाजर का हलवा खिलाते हैं और उसी जगह लेके जाते हैं जहां पर वो पहले रहता था, राइट, ऐसी सारी जगहों से लेके जाते हैं ताकि उसको धीरे धीरे उसकी मेमोरी याद हो, राइट, भक्ति योग जो है वो ऐसी ही चीज है जो हम बात कर रहे हैं ना कि अरे आप एक्चुअली भगवान के डायरेक्शन में अलाइन थे पहले, ओके, तब आप खुश थे, तो चलो धीरे धीरे करके अलाइन करते हैं तो जिससे आपकी याददाश्त वापस आएगी, ओके, तो उस याददाश्त को वापस लाने की कोशिश है ये कि भगवान के साथ अलाइन हो और आप खुश होगे, जैसे जैसे आप अलाइन होगे वैसे वैसे खुशी मिलेगी, शास्त्र इस बारे में बहुत इलाबोरेटली बताते हैं, बहुत ही डिटेल में, बट एनीवेज लंबा टॉपिक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि लाइफ का गोल क्या है, मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, राइट, तो जो गोल ऑफ लाइफ है ना, हमने बात की थी जब हमने फर्स्ट सेशन पे बात की थी, तो ये एक श्लोक है भगवद गीता का, वो बोलता है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि, सो क्या बोलता है कि आप जो हो ना वो आप जीव हो, एक सोल हो आप, और आप ना अपने बॉडी को ऐसे चेंज करते हो जैसे कि आदमी अपनी शर्ट चेंज करता है, ठीक है, जैसे आप शर्ट बदल लिए ना, आपके कपड़े पुराने हो गए तो आप नए कपड़े पहन लेते हो,
और आप खुश होते हो क्योंकि नई शर्ट पहनी मैंने, वैसे ही ये जो सोल है वो एक्चुअली जब पुराना हो जाता है ना कपड़ा, अपनी शरीर पुराना हो जाता है, इंजॉय नहीं कर पाते हो, तो आप एक नए कपड़े को पहन लेते हो फिर से इंजॉय करूंगा ये सोच के, ठीक है। तो इसलिए कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए डेथ वगैरह की। तो ये शास्त्र बताते हैं कि मतलब जैसे आपने कपड़े चेंज किए वैसे ही आपकी बॉडी चेंज हुई थी बाय द वे, इसलिए इतना ज्यादा उसमें टेंशन मत लो। बट अब क्वेश्चन ये है कि डेथ, राइट, डेथ हमने इस बारे में थोड़ी सी पहले बात की थी, आज हम और इलेबरेट बात करते हैं कि जब डेथ होती है तो होता क्या है, ओके, एक्चुअल में क्या होता है, राइट। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जैसे प्रभु जी आपने बोला कि वैकुंठ में थे और हमें एक थॉट आया तो हम यहाँ आ गए, सो वो थॉट हमें फिर से आ सकता है, सपोज अगर हम पहुंच भी गए तो हमें फिर से थॉट आएगा तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे, तो ये प्रोसेस नहीं, ऐसा नहीं होगा। शास्त्र बताते हैं कि ऐसा एक बार आपने एक्सपीरियंस कर लिया ना तो दोबारा आपकी हिम्मत ही नहीं होती ऐसा करने की। जैसे को तो कुछ होता है ना, जैसे कभी कभी मन में आता है कि यार मैं अपने बॉस की जगह पे होता तो अच्छा होता, राइट। फिर आप सोचते हो कि अरे मेरे बॉस की तो हालत खराब है, दिन रात काम करता है पागलों की तरह, रात भर कॉल में रहता है वगैरह वगैरह, फिर आप सोचते हो नहीं नहीं यही ठीक है जो कर रहा हूँ वही बहुत है, राइट। अब आप बार बार वही थोड़ी सोचने बैठते हो थोड़े थोड़े दिन में, आपको पता है कि अरे यार वो उसकी जिंदगी अपनी खराब है, उसको रहने दो, अपनी लाइफ जीने दो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, राइट, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता कहती है, हम आगे वो श्लोक बात करेंगे थोड़ी देर में कि भगवत गीता पहुंचने के बाद ये सारी चीजें प्रभु जी हमें याद रहती हैं कि मतलब ये एक्सपीरियंस जो है हमारे एक्सपीरियंस याद रहते हैं, इंसिडेंट आप भूल जाते हो। जैसे आज भी ना अगर हम देखेंगे तो हमें भी पिछले जन्म की यादें भूल गई हैं लेकिन एक्सपीरियंसेस याद हैं। कुछ लोगों को देखो पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को चाकू से डर लगता है ना, ऐसा होता है ना कभी, क्यों लोगों को हाइट से डर लगता है कुछ लोगों को। तो आयन स्टीवनसन एक जो साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने रिसर्च से पता किया कि एक्चुअली ये जो है ना ये आपकी लास्ट लाइफ में कैसे आपकी डेथ हुई थी, किस तरह की तकलीफ आपने झेली थी, उसकी यादें होती है फोबिया, जो फोबियाज है ना वो आपके पिछले जन्म की यादें हैं। और कभी कभी आप देखो ना कुछ लोग होते हैं बचपन से ही बच्चे बड़े कोई चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे कुछ चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहां से आता है वो अट्रैक्शन, राइट। एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं, इंसिडेंट भूल जाते हैं, राइट। तो ये जो इंप्रेशन जो है ना अपने सोल के ऊपर जो इंप्रेशन आ रहे हैं ना इन चीजों के, वो याद रहेंगे, आपको पता रहेगा कि ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पे नहीं जाना है, ठीक है। तो एनीवेज तो प्रभु जी इसमें इसमें एक क्वेश्चन हो रहा था, इसमें एक एनडीई का जो आपने इनिशियल सेशन स्टार्ट किए थे, आपने एनडीई का बताया था नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो उसका देखा मैंने काफी पढ़ा के, तो उसमें लोग बोलते हैं कि मैं मर गया था एंड आई वेंट टू द हेवन, वहां पे जीसस से मैंने बात की, मैंने ये किया। जनरली तो वो मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस का ही रहता है यूएस वगैरह में, यूके में, तो वहां पे देन आई यू नो टॉक टू जीसस, उसने मुझे बहुत प्यार किया और फिर उसने मुझे वापस भेज दिया वहां पे। तो जब वो वहां पे चला गया, मतलब ये इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में बोले, मतलब फिर किस कॉन्टेक्स्ट वो मिस्टेक हुई थी, कैसे मतलब जो हमें एनडीए डेथ वाला मतलब एनडीए मिस्टेक है या क्या है, एनडीए मिस्टेक प्लस अगर वो एलिजिबल था तो वो जीसस के पास चला गया, तो नाम तो अलग अलग है, जैसे आपने बोला था अभी लास्ट सेशन में नाम अलग है बट भगवान एक ही है, राइट। तो अगर वो चले गए थे वहां पे तो फिर वो नीचे क्यों आ गए, वो बोलते हैं कि हम तो नहीं आना चाहते थे बट जीसस ने भेज दिया हमको नीचे। देखिए एक्चुअली ऐसे इंसिडेंट्स ना एक तरह से बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, राइट, बट ये इंसिडेंट्स ना प्रूव करते हैं कि एक्चुअली हमारे जैसे के लिए प्रूव करते हैं कि ये सब सच है, ओके, ये है ना, राइट। पहला पर्पस तो वो ये सब करता है कि ये सच है, दूसरा ये जो सिस्टम है ना ये पूरा का पूरा ये अकेला कोई एक आदमी ऑपरेट नहीं करता है, मतलब बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारा सिस्टम है बहुत बड़ा सा, ओके, जिसके कारण ये सब कुछ ऑपरेट हो रहा है ऊपर, राइट। अभी किस कारण से क्या क्या हुआ वो हम नहीं समझ सकते हर एक की कहानी, बट हाँ इट कुड बी कि मतलब इट कुड बी अ मिस्टेक एज वेल, ओके, फॉर ऑल यू नो, राइट। तो इनमें से भगवान नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि वायु देव का अलग डिपार्टमेंट है, अग्नि देव का अलग डिपार्टमेंट है, वरुण देव का अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और वो सारे लोग अलग अलग तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। बट ये केसेस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बट एटलीस्ट हमारे जैसे लोगों के लिए तो वो फेथ पैदा करते हैं कि हाँ ये सच है ये सब कुछ, तो हम सोचते हैं ना कि हाँ तो ये सब सच है। एनीवेज कमिंग टू दिस, व्हाट हैपेंस एट डेथ, राइट, डेथ के समय होता क्या है एक्चुअल में, मरते समय के क्या होता है। तो बेसिकली
हमने इस बारे में बात की थी कि जब आपकी डेथ होती है ना, तो आपकी जो एक होती है सटल बॉडी, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी जो है ना वो आपकी पांच चीजों से बनी होती है ना, हमने बात की थी भूमि आप अनल वायु स्कम राइट, यानी कि अर्थ एयर वाटर फायर और इथर। उसके अलावा स्थूल सूक्ष्म शरीर होता है जो कि तीन चीजों से बनता है, मन बुद्धि और अहंकार से। ओके, तो आपका जो मन बुद्धि और अहंकार है ना वो तीन चीजें आपके साथ जाती हैं। जब आपकी डेथ होती है तो आपके सोल के साथ, आपके जीव के साथ मन बुद्धि और अहंकार साथ साथ चला जाता है। ओके, और वो जाता कहाँ है? ओके, किस कौन सी बॉडी मिलती है आपको राइट, अगला शरीर कौन सा मिलेगा, कैसे पता चले? ये सब तो पता चल गया पर कौन सा शरीर अगला मिलेगा? तो देखिए ऐसा कुछ होता है, आपके पास ना डील सिंपल है, जैसे कि आपके पास ज्यादा पैसे हो गए तो आप बड़ी गाड़ी ले गए राइट, साइकिल है, ज्यादा पैसे हो गए तो बाइक ले ली है ना, कम पैसे हो गए तो साइकिल ले ली, और पैसे हो गए तो एरोप्लेन भी ले सकते हो है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितने पैसे हैं, पहली चीज तो ये, उस हिसाब से आप अलग अलग गाड़ियां लेते हो। अब ये पैसे कौन से होते हैं? पैसे होते हैं कर्म के राइट, कर्म इज दैट मनी, कर्म इज दैट थिंग। ओके, जिससे डिसाइड होता है कि अगली बॉडी क्या मिलेगी। बट इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज और है जिससे कि डिसाइड होता है कि आपको कौन सी बॉडी मिलेगी। ओके, तो वो क्या चीज है? वो चीज बेसिकली, तो पहली चीज तो ये है कि हाँ आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करते रहते हो है ना, कभी कार में, कभी साइकिल में, कभी किसी में, कभी एनिमल्स में, कभी डॉग में, कभी मंकी में, कभी ह्यूमंस में मूव करते रहते हैं राइट। सो बेसिस क्या है उसका? तो बेसिस ये है, भगवत गीता कहती है यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम मे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवत गीता बोलती है कि आप ना डेथ के समय जो भी सोच रहे होते हो उसके हिसाब से आपकी बॉडी मिलती है आपको अगली बॉडी। जैसे कोई किसी लड़की के बारे में सोच रहा है बहुत ज्यादा और उसकी डेथ हो गई, तो अगली लाइफ में आप लड़की बनोगे ठीक है। आप पाकिस्तानी के बारे में सोच रहे हो बहुत ज्यादा दिन रात और आपकी डेथ हो गई तो आप पाकिस्तान बनोगे, ऐसा मतलब है इस श्लोक का ठीक है। कि हमारे मन में क्या थॉट है, लाइक फॉर एग्जांपल लोगों के मन में कभी कभी इंजॉयमेंट के थॉट रहते हैं, ये वाला इंजॉयमेंट करना है राइट। कोई बोलते हैं ना अंतिम इच्छा क्या है, तो आदमी बोलता है ये खाना है, ये करना है, वो करना है, मरते समय भी आदमी की बहुत सारी इच्छा रहती है। तो आपकी कौन सी इच्छा है ना उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट बॉडी मिलती है। ओके, जिन लोगों ने कैमरे नहीं ऑन किए प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट आपके लिए कि आपका ज्यादा आपको समझ में आएगा, अदरवाइज होने क्या वाला है ना आपको समझ में आना कम हो जाएगा, आई प्रॉमिस। अगर हम खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे वगैरह वगैरह, अगर हम ध्यान से सुनेंगे ना तो ये नॉलेज ठीक से समझ में आएगा फाइनली। मुझे एक क्वेश्चन आ गया ये स्लाइड देख के ना, आप इससे पहले वाले स्लाइड में था कि नेक्स्ट जन्म जो आपको मिलेगा वो आपके कर्म पर डिपेंड करेगा, आपने जो कर्म किए पूरे ये जिंदगी जी के 60 साल 70 साल या फिर जितने साल भी आप जिए, अपने जो भी कर्म किए यहाँ पे आपको उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट आपकी लाइफ डिसाइड हो सकती है। बट ये स्लाइड बोलते हैं यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं मर रहा हूँ नाउ, मैंने ये स्लाइड देख ली तो अभी ये मेरे दिमाग में छप गया, तो मेरा जब मरूंगा तो मेरे को रहेगा कि लेट मी विश दिस, तो वो क्या फिर वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं? क्योंकि आप वो विश कर ही नहीं पाओगे ठीक है। अच्छा, आप ये विश कर पाओगे क्या कि मुझे वैकुंठ जाना है, जब तक कि आपने सारी जिंदगी वैकुंठ के बारे में सोचा ना हो राइट। इतना आसान नहीं है, जब पैर में पत्थर भी लगता है ना, एक ठोकर लगती है ना, तो मुझे आउ निकलता है, भगवान का नाम नहीं निकलता है। इतना आसान नहीं है राइट। जब और डेथ कभी भी हो सकती है किसी भी समय, तो हमारे मन में क्या चल रहा है? इसका मतलब यह है कि आपको सारे समय जिसका ध्यान करोगे ना वही गारंटेड है कि आपको मिलेगा, और कोई गारंटी है ही नहीं इसमें राइट। दिस इज द ओनली वे। तो ये वाला थॉट प्रोसेस जो आपने लास्ट स्टेटमेंट बोली जो काफी क्रिटिकल लगी मुझे, तो ये वाला थॉट प्रोसेस भी कंट्रोल्ड बाय भगवान राइट? नहीं, आप ही कंट्रोल करते हो ना, आप क्या सोचना चाहते हो ये तो आप कंट्रोल कर रहे हो। आप देखिए, अगर आपका मन है सिगरेट पीने का, दिन रात आदमी सिगरेट पीता है, मरने के पहले भी सोचता है एक सिगरेट पी लेता तो अच्छा था राइट। जिसको सोने का शौक है दिन रात, वो बोलेगा सोने का मन कर रहा है मेरा। जो खाने का शौकीन है वो हमेशा खाने के बारे में सोचेगा राइट। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? आप ही कंट्रोल करना चाह रहे हो ना, आप ही तो एंजॉय कर रहे हो, कौन कर रहा है? तो लास्ट थॉट भी आपकी वही होगी, इट्स अ मैटर ऑफ चांस कौन सी थॉट लास्ट होगी, कोई नहीं पता किसी को भी राइट। तो कौन सा इंप्रेशन लेके घूम रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट, तो मतलब दो चीजें जैसे मैंने कही, एक तो डिजायर और डिजर्व, यानी कि आपकी उस समय सोच क्या है और आपके कर्म क्या है, ये दो चीजें डिसाइड करती हैं कि आपको क्या बॉडी मिलेगी राइट। ओके,
सो लॉ ऑफ कर्मा सिंपल है, हमने पहले से बचपन से सुना हुआ है राइट, कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, है ना, कि मतलब हमने अगर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इट्स अ सिंपल थिंग राइट, लॉ ऑफ कर्मा बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, इंस्टेंट रिएक्शन मिलते हैं, अगर मैं आपको थप्पड़ मारूं तो आप मुझे तुरंत थप्पड़ मारोगे राइट, तो इंस्टेंट रिएक्शन मिल गया हमें ओके। और कभी कभी वो रिएक्शन डिलेड भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सिगरेट पी रहे हो, 50 साल बाद आपको कैंसर होगा, है ना, तो थोड़े साल बाद रिएक्शन आएगा। ऐसे ही कुछ कुछ रिएक्शन नेक्स्ट लाइफ में भी मिलते हैं राइट, कि पेड़ आपने आज उगाया, आपके बच्चे आम खाएंगे, ऐसा होता है ना, तो आपने कुछ कर्म किया उसका फल उनको मिलेगा। तो कर्म जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मतलब अलग अलग कर्म के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, समझना बड़ा मुश्किल है। बट बेसिकली द पॉइंट ये है कि हमारे पास ना इस लाइफ में कर्म के कारण हमारे पास दो चॉइसेस हैं, हर समय दो चॉइसेस होती हैं, कि या तो मैं इंटेलिजेंटली सही रास्ता लूं, या मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए गलत रास्ता लूं, और मैं जो भी रास्ता लूंगा उस डायरेक्शन में मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल शास्त्र का फंडा है। तो हर पॉइंट पे आपके पास ये दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं कैमरा ऑन करूं या मैं नहीं करूं राइट। अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो आप ध्यान से सुनोगे और उससे आपको फायदा होगा, अगर आपने कैमरा नहीं ऑन किया तो आपको समझ में नहीं आएगी बात राइट। हर पॉइंट पे मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट हर पॉइंट पे दो ऑप्शन होते ही है हमारे पास राइट। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कौन सा ऑप्शन चुनते हैं उसमें राइट। हम ये संडे के दिन आराम से बैठ के सो भी सकते थे और डोमिनोज से पिज्जा भी ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन हम सोच सकते हैं कि नहीं नहीं मैं अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, कुछ अच्छी चीजें सीखूंगा राइट, और वो भले मुझे प्रसाद खाने को नहीं मिल रहा है लेकिन कोई बात नहीं राइट, फिर भी मैं सुनूंगा राइट। तो इस डेडिकेशन के कारण आप सुनते हो और उसका आपको फायदा मिलेगा बाद में आके राइट। सो इसलिए डिसीजन हमारा है आखिरी में कि हम क्या करना चाहते हैं राइट। सो फार सो गुड, क्लियर है इतना। तो अभी हम समझते हैं कि एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से पाप क्या होता है ओके, और सही चीजें क्या है और गलत, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आपके पास चॉइस होती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब क्या नहीं करना है कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा क्या नहीं करना है राइट, और क्या सही है कैसे पता चलेगा। तो क्योंकि हम शास्त्रों पे बात कर रहे हैं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। किसी ने परीक्षित का सुना है नाम, राजा परीक्षित, किंग परीक्षित ऐसा कुछ एक थे राइट। तो जब किंग परीक्षित, जब एक बार क्या हुआ कि जा रहे थे कहीं पर रोड पे, और वो जब वो जा रहे थे तो उनको एक दिखाई दिया, इंटरेस्टिंग सा सीन दिखाई दिया। उनको क्या दिखा कि अरे एक एक गाय है और एक बैल है ओके, किसी ने सुनी है ये कहानी, और एक आदमी है जो कि शूद्र, मतलब शूद्र नहीं बोलना चाहिए, चोर डाकू टाइप का आदमी दिख रहा है, और वो ना गाय गाय को मार रहा है ठीक है, और बैल को मार रहा है, बैल बैल जो है उसके तीन पैर टूट चुके हैं और उसे मार रहा है बुरी तरह, और गाय रो रही है। और राजा परीक्षित को बहुत दुख हुआ, उसने बोला नहीं नहीं मैं मार डालूंगा इसे, इस आदमी को। तो वो आदमी ने बोला कि मैं कलयुग हूं एक्चुअली ओके, और ये जो बैल है ना ये धर्म है ठीक है, और इसके पैर चार पैर थे और वो टूट गए चारों पैर। तो राजा परीक्षित को जब ऐसा समझ में आता है ना, तो पता चलता है कि कौन से चार पैर हैं वो उसके। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवत का ठीक है, जिसमें धर्म क्या होता है उसके बारे में बताया हुआ है कि धर्म के कौन से चार पैर होते हैं एक्चुअल में ठीक है। और ये समझना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि सच क्या है और गलत क्या है राइट। सो ये है वो श्लोक, ये श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद है जिसमें श्लोक आता है, और वो कुछ ऐसा है, तपः शौचं दया सत्यम इति पाद कृते कृता अधर्मस्य त्रयो भग्ना स्मया संगा मदस्तव। तो बोलते हैं कि चार हैं श्लोक धर्म के पैर, कौन से हैं वो, ऑस्टेरिटी क्लीनलीनेस मर्सीफुल एंड ट्रूथफुलनेस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो सत्य शौच ओके, शौच मतलब सफाई, क्लीनलीनेस जिसको बोलते हैं, तप राइट, यानी कि तप शौच दया और सत्य ठीक है, ये चार हिंदी में इसका मतलब है राइट। तो ये चार जो है ये धर्म के पैर होते हैं, इन चार चीजों को फॉलो करना चाहिए ठीक है। कैसे करना है हम उस बारे में बात करेंगे, बट ये चार पैर होते हैं धर्म के, जस्ट बता दूं मैं आपको। तो ये सारी बात होती है, उसके बाद कलयुग पैर पकड़ लेता है, उनको बोलता है कि मुझे छोड़ दो आप प्लीज, मतलब यू नो क्योंकि मेरे में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, क्या अच्छी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। बट बेसिकली उसकी बात पे राजा परीक्षित बोलते हैं कि ठीक है आप रह सकते हो यहाँ पर, लेकिन आप चार जगहों पे ही अलाउड है। तो वो पूछता है कौन सी चार जगहों पे रहूं मैं, तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में जिसमें बताते हैं कि कौन सी चार जगहों पे कलयुग का रहना अलाउ किया गया, क्योंकि वहां पर पाप होता है। तो
तो कौन सी वाली पाप वाली जगह है? तो ये है वो श्लोक, सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलैददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। तो यानी चार चीजें कौन सी है? द्यूतं पानं स्त्रियसूना, यानी कि जहां पर गैम्बलिंग होती है, ओके, जहां पर ड्रिंकिंग होती है, जहां पर प्रोस्टिट्यूशन होता है, और एनिमल स्लॉटर होता है, यानी जानवरों को मारा जाता है, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, और प्रोस्टिट्यूशन होता है। ये चार जगह अधर्म की हैं, यहाँ पर आप रह सकते हो, वो ऐसे बोलते हैं, ओके। और इंटरेस्टिंगली ये इन चार चीजों का उल्टा होता है, जो हमने पहले बात की ना, तप दान सत्य और शौच, उनका उल्टा ये चार चीजें होती हैं। तो ये अधर्म की चार चीजें जिनके बारे में परीक्षित महाराज को कलयुग बताते हैं, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस सो फार, राइट, ओके। सो दिस इज वॉट श्रीमद् भागवत सेज, बाय द वे, एज इट इज वर्बैटिम, राइट। तो हम समझते हैं कि ये चार चीजें क्या होती हैं धर्म की, कैसे हम फॉलो कर सकते हैं धर्म को और अधर्म, क्योंकि धर्म और अधर्म हम नहीं डिफाइन कर सकते, राइट। शास्त्र, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण के बारे में बात की थी, इसीलिए हम ये श्लोक की बात कर रहे हैं, ताकि सच क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये हमें शास्त्र से समझ में आए, राइट। तो अब हम समझते हैं कि ये कौन सी चार चीजें हैं और कौन सी अधर्म है और कौन से धर्म है, राइट। सो या तो चार कौन से अधर्म है हमने बात की थी, याद है, द्यूतम पानम स्त्रिया शूना, शूना मतलब मीट ईटिंग, ओके, और तो मीट ईटिंग, दूसरा पानम यानी इंटॉक्सिकेशन, राइट, बहुत तरह के इंटॉक्सिकेशन दिख रहे हैं यहाँ पर, ओके, और द्यूतम यानी कि गैम्बलिंग, ठीक है, और फोर्थ कौन सा है, स्त्रिया शूना, स्त्रिया यानी कि इलिसिट सेक्स, यानी कि सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, राइट। तो यानी कि ये जो चार चीजें हैं ना, ये अधर्म की कैटेगरी में आती हैं, ये सिन है, ये चारों चीजें प्रॉपर सिन है, ओके, सिन का जो पर्सोनिफिकेशन है ये चार चीजें, ओके। क्योंकि हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो हमें डिसाइड शास्त्र से ही करना होगा, और तो कोई तरीका है नहीं, ओके। सो इन चार चीजों के साथ शास्त्र कहते हैं कि आप बड़ी ही इजिली अगेन बर्थ अगेन डेथ में फंस सकते हो, इन चार चीजों में से डील करोगे तो आराम से फंस जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये धर्म के अगेंस्ट है, तो इन चीजों में फंसने का मतलब है बर्थ अगेन डेथ अगेन, राइट, फिर से जन्म फिर से मृत्यु। शंकराचार्य एक श्लोक बोलते हैं, किसी ने सुना है कभी, पता नहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे भवतुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, ओके, मतलब फिर से जन्म होगा, फिर से डेथ होगी, ओके, और पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से मदर के पेट में जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है, और फिर से यह संसारे भव दुस्तारे, ये दुनिया जो बहुत है पेनफुल जगह है, यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा, ठीक है, फिर से मदर मम्मी मार मार के एबीसीडी सिखाएगी, फिर से रीडिंग सिखाएगी, फिर से टीचर पिटाई करेगी, सब कुछ होगा फिर से, राइट, और फिर से सब कुछ होगा, फिर से जाके एंजॉय करने जाएंगे। तो दिस इज व्हाट शंकराचार्य इज सेइंग, सो बहुत इजी है ये फिर से करने के लिए, आप ये चार चीजों को फॉलो करके इजिली जा सकते हो वहां पे, राइट। द पॉइंट इज की ओके, सो या दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट। अगर किसी का, जो भी मैंने बोला ना, कि जैसे जैसे आपकी आपकी थॉट प्रोसेस होगी वैसा ही आपको नेक्स्ट बॉडी मिलती है। तो अगर आपकी थॉट प्रोसेस ये है कि मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, ओके, मेरी लाइफ ही नॉनवेज है, तो डेथ के टाइम पे आपका इंप्रेशन क्या होगा, नॉनवेज खाना है, तो आपको नेक्स्ट बॉडी जो है ना, प्रकृति जो है, नेचर, वो आपको एनिमल बॉडी क्यों ना दे, क्यों ना वो ऐसी बॉडी दे जो लॉयन की है, जहां की आप मजे से मीट खा सको, जितना खाना है उतना खा सको, केजीज एंड केजीज ऑफ मीट खा सको, राइट, क्योंकि वही आपकी लाइफ है ना। तो मतलब जो नेचर है ना, वो आपके साथ बिल्कुल सही करती है, क्योंकि आप वही डिजर्व करते हो, आपका और कुछ करने का मन ही नहीं है। तो इसलिए जिसको मीट खाने का शौक है वो आराम से मीट खा सकता है बैठ के, और जिसको बहुत ये मन है कि मैं सोने का मन करता है, दिन रात सोता रहूं, पड़ा रहूं, राइट, उनको पोलर बियर की बॉडी क्यों ना मिले, राइट, तो बिकॉज दैट इज ऑब्वियस फॉर देम, है ना, क्योंकि उनको सोना ही उनकी लाइफ है, तो आराम से पोलर बियर बन के छेद से मैंने सो सकते हैं वो, राइट। पर पर्सन जिनको एक्सपोजर एक्सपोज करना मजा आता है, राइट, उनको ट्री की बॉडी क्यों ना मिले, कि ठीक है भाई, बिना कपड़ों के खड़े रहो अपना आराम से, सदियों तक खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो नेचर जो है ना, वो आपकी आपकी डिजायर के बेसिस पे, आपको क्या ज्यादा सही लगता है उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट बॉडी अवॉर्ड करती है, और इस तरह से हमें हर बॉडी मिलती है, राइट। सो फार सो गुड। कुछ क्वेश्चन है किसी का? बहुत हैवी हो रहा है, कुछ हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा।
कुछ एग्जांपल दीजिए, कुछ जोक बताइए, कुछ तो कुछ भी बोलिए, एनीथिंग। प्रभु जी ये डिसाइड कैसे होता है, क्योंकि हमारे पूरे जीवन काल में मिक्स्ड ऑफ हमारे कर्माज होते हैं, तो हम बहुत अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, और हो सकता है कि मृत्यु के वक्त में भी लास्ट 1-1.5 साल में हमने बहुत बुरे कर्म किए हों, जैसे नॉनवेज बहुत खाया हो, हमने पूरा जिंदगी नहीं खाया हो या ऑफ ऑन खाया हो, लेकिन उस वक्त ज्यादा खाया है, आखिरी समय हमारे दिमाग में वही है, तो हमें शेरगी होनी मिलेगी, या हमने पूरी जिंदगी पाप किए हैं और मृत्यु से कुछ समय पहले तक हमने भगवान का नाम जपा है, तो क्या हमें सदगति मिलेगी? ये डिसाइड कैसे होता है, इसका कुछ रेशियो होता है, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं? जैसे हमको बचपन में मम्मी पापा समझाते थे कि बुरे कर्म करोगे तो बुरा जन्म मिलेगा, तो और दूसरा जैसे आपने वो बात किया कि लोग मृत्यु के बाद भी जाके वापस आ गए, तो इसके बारे में बचपन में हमारे बड़े बताते थे कि इतनी क्रिटिकल इलनेस होने के बाद या एक्सीडेंट खतरनाक होने के बाद जिसमें 99% आदमी की मौत हो जाती है, वो बच गया क्योंकि उसकी कुछ उम्र लिखी हुई थी, भगवान ने उसकी एज कुछ और लिखी थी, इसलिए वो वापस आ गया। तो उसके लिए मैं ये इंटरप्रेट करता हूँ कि शायद उन लोगों की भी कुछ एज बाकी होगी, वो आ गए, बट मेरा जो क्वेश्चन है कि कर्मा का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, बैड कर्मा एंड गुड कर्मा, अधर्म और धर्म जो हम करते हैं, तो वो जो है ना, देखिए सीधा सा लॉजिक है, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, वो बोलते हैं कर्मणो यति बोधव्यम बोधव्यम च कर्मणा विकर्मणस्य बोधव्यम गहनो कर्मणो गति। तो बोलते हैं कि पहले ना समझ लो कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये समझ लो अच्छे से। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना समझे कुछ कर रहे हो ना, तो गहनो कर्मणो गति, यानी जो उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब वो समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, मतलब मैंने समझ लो, तो ये समझना बहुत मुश्किल है। शास्त्र बड़े छोटे छोटे गलतियों के बड़े बड़े, आप बोलोगे छोटी गलती है बट वो छोटी नहीं होती है, बट उनके जो रिजल्ट मिलते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब नर्क में कैसे कैसे उबाला जाता है ना, ऑयल डाल के और क्या क्या करके, बहुत अमेजिंग डिस्क्रिप्शन है बेसिकली अगर आप पढ़ोगे तो, मतलब लेकिन वो किस तरह के कर्म का क्या होगा वो सब लिखा हुआ है, बट यस उन सबको कट करना पॉसिबल है, मतलब शास्त्र में तरीका है कि आप कैसे उससे निकल सकते हो अगर आपने कुछ बुरा किया है तो, राइट, तो शास्त्र के हिसाब से वो पॉसिबल है निकलना, लेकिन कितना प्रपोर्शन और कितना क्या, वो सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, मतलब भगवान खुद क्लियरली भगवदगीता में बोलते हैं कि इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, सो डू नॉट गेट इन टू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, बट रैदर अच्छे कानून करने की कोशिश करना चाहिए, ये सब में दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि कितना परसेंट करूंगा तो काम चल जाएगा, इतने परसेंट ऐश कर लूं, इतने परसेंट ये कर लूं, ऐसा गेम है नहीं, बहुत मुश्किल है ये। ठीक है, उसके ऊपर भी एक जो फिलोसफी सुनी है अगेन बड़ों से, वो यही है कि इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, अच्छे का अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है, तो ये नहीं है कि आपने 6 बुरे कर्म कर लिए तो आप 8 अच्छे कर्म कर लो तो आप बिल्कुल सही माइनस, ऐसा ही होता है, मतलब एडिशन नहीं होता उनका, पाप और पुण्य का एडिशन नहीं होता, लेकिन कुछ चीजों से आप सारे पाप को काट सकते हो, देयर आर सम थिंग्स जिससे पॉसिबल है, और हम उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम योगा के बारे में बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे कि ये सारे पाप वाप को खत्म करना पॉसिबल है एक ही शॉट में, राइट, बट एनीवेज अभी तो पहले आगे चलते हैं। सो आगे चलेंगे और हम ये समझते हैं कि अभी जो हमने बात की ना कि तप शौच राइट सत्य और दया ये कैसे फॉलो करें, तो हमें चार तो पाप की चीजें करनी ही नहीं चाहिए, जो हमने चार पाप की चीजें बात की ना वो नहीं करनी चाहिए, और उसके अलावा तप करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए और ज्ञान और ये करना चाहिए, ये चार चीजें करनी चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या है कैसे करें हम, राइट, तो तप के बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ओके, कि कौन सा तप करें, बट तप करना बहुत जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तप क्या होता है, तपस्या ऑस्टेरिटी क्या होती है, जैसे कि एक बच्चे को भी ना IIT में जाना है ना, तो उसको तप करना पड़ता है, कुछ भी आपको लाइफ में मिले उसके लिए आपको तप करना जरूरी है। एक बच्चे को अगर IIT जाना है तो उसको अपनी मूवी देखना बंद करना पड़ेगा, बच्चों के साथ खेलना बंद करना पड़ेगा, जो उसका करने का मन है वो नहीं करेगा, राइट, तो अपनी विलिंगली वो एक्चुअली कुछ अच्छी चीजें छोड़ेगा जो उसको पसंद है किसी हायर रीजन के लिए, उसको बोलते हैं तपस्या। ठीक है, जैसे तपते हैं ना लोहे को वैसे, ठीक है, उसको बोलते हैं तप। तो तप करना इंपॉर्टेंट है कोई भी रिजल्ट मिलने के लिए। ठीक है, तो आप क्या तपस्या करें इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर तपस्या करना मैंडेटरी है, ये धर्म का एक रास्ता है। दूसरा होता है सेक्रीफाइस यानी यज्ञ। अब यज्ञ का मतलब सिर्फ स्वाहा स्वाहा नहीं होता, और भी तरह के यज्ञ होते हैं, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, ठीक है, लेकिन यज्ञ करना जरूरी है ऐसा शास्त्र बोलते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे।
तीसरा है नॉलेज, यानी कि शास्त्र पढ़ने चाहिए, भगवद गीता रामायण श्रीमद भागवत जैसी किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है, यह है धर्म का रास्ता। और चौथा है एसोसिएशन ऑफ सेंट्स, यानी कि अच्छे लोगों से जो 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 साधु जैसे प्रवृत्ति के लोग हैं उनके संग करना चाहिए, ठीक है। ये चार चीजें जो है वो धर्म के रास्ते हैं। ओके, एनीथिंग विच मेक सेंस, या मैं एकदम साधु बाबा की तरह बातें कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लग रही है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है बाय द वे, और हम बात करेंगे इसके बारे में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कि इनको हम नॉर्मल लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, रोज की लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट, ओके, ग्रेजुअली। बट ये पहले समझ लीजिए कि ये चार चीजें मैंडेटरी हैं, ठीक है, ओके। तो एटलीस्ट कुछ तो समझ में आया कि हाँ हाँ हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, कुछ तो समझ में आया कि हमें एसोसिएशन करना चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग जो बैठे हैं अच्छी बातें कर रहे हैं, राइट, ऐसा एसोसिएशन करना चाहिए सेंटली माइंडेड लोगों का, साधु संतों का, जिससे कि हमें कुछ ज्ञान की बातें समझ में आए, राइट, ये दो चीजें तो समझ में आई। और तब और यज्ञ मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, ठीक है, हाउ टू डू दैट, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ओके। सो फार विथ मी, एनीवन, लेट मी टेक नेम्स इफ डिडंट मेक सेंस। मनीष जी, कोई क्वेश्चन? बस काफी लोग चुप है इसलिए आई थॉट आई विल आस्क। नो नो, ओके, या लेट मी रैंडमली आस्क, शिवानी जी, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इन फैक्ट यही है कि आई थिंक यहाँ पे 80% लोग शायद काम ही करते होंगे, राइट, एंड उन सब चीजों के साथ हमें ऑफ सैटरडे या संडे या अपने रेगुलर डे के हिसाब से भगवान को कुछ कुछ टाइम निकाल कर याद करते ही हैं, मतलब एक कोशिश तो हम करते ही रहते हैं, एंड प्रॉब्ली सबकॉन्शियसली हम उस भगवान को याद भी रखने की कोशिश तो जरूर करते हैं कि यू नो भगवान है, वो देख रहा है, कोई नहीं तो वो तो देख ही रहा है। सो माय क्वेश्चन इज कि ये चार चीजें जो आपने बताई और वो जो चार चीजें हमें नहीं करनी चाहिए वो भी हमें पता ही है, कहीं तो पता ही था कि ये भी गलत ही है, इंटेलिजेंस को तो पता था, माइंड शायद कर रहा था, तो जब ये पता था और ये चार चीजें हैं, ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में कब कैसे करेंगे, मतलब वही है मेरा क्वेश्चन। तो सिर्फ 80% ही नहीं, एक्चुअली आप पूछोगे तो मैं भी वर्किंग ही हूं, राइट, आई वर्क इन अ कंपनी, राइट, बट ऐसा नहीं है कि मैं साधु सन्यासी हूं, लेकिन ये सब चीजें ना प्रैक्टिकली इंटीग्रेट करना पॉसिबल है। हम लोगों की ना लाइफ में ना हम बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते इन चीजों को। मैंने बताया ना कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, हमें लगता है कि हम हमेशा एंजॉय कर पाएंगे ये बॉडी, लेकिन ये सच नहीं है। नेक्स्ट बॉडी कैट या डॉग या इंसेक्ट या मॉस्किटो की भी हो सकती है, राइट, सो हमें उसके लिए थोड़ा, जैसे हम SIP करते हैं ना, रोज थोड़ा थोड़ा कुछ करते हैं ना पैसे सेविंग, वैसे ही थोड़ा थोड़ा सेविंग करना जरूरी है, थोड़ा तप, थोड़ा दान, थोड़ा यज्ञ ऐड करना जरूरी है। नाउ कैसे करना है, मैंने बताया ना कि अब क्या 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 तप होते हैं, क्या क्या योग होते हैं, हम इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, तब जब हम इसके बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन है जो मेरे को लास्ट टाइम भी आया था, लेकिन वो क्वेश्चन है कि जो आज तक हमने जो किया बचपन से, वो अगरबत्ती उठाई, वो जोत जलाई, पूजा किया, वो किया, तो क्या आज हम अपने आप को क्वेश्चन करें कि ये सब सही था कि गलत था, मतलब जो मैं आज तक करती आई हूँ क्या वो सही है गलत है? आई एम होपिंग, मेरी सोल, मेरी आत्मा तो चाहती है कि वो सही हो, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि ये सब नहीं किया तो वो खारिज हो गया, तो एक्चुअली वो 30-35 साल के पानी में। अगर आपने बिल्कुल कुछ सही नहीं किया होता ना तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर रहे होते। शास्त्र बताते हैं कि एक्चुअली जब हम कुछ सिर्फ उनको ये नॉलेज मिल पाता है जिनके पास पुराने पाप खत्म हो जाते हैं और काफी सारा पुण्य इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और उनके लिए ही हायर नॉलेज का डोर ओपन होता है। हर किसी को IIT में एडमिशन नहीं मिलता, राइट, वो बच्चा बोलेगा मैंने क्यों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तेलुगु संस्कृत हिंदी फ्रेंच सब पढ़ रहा था फालतू में, वेस्ट हो गया क्या सारा कुछ? नहीं नहीं, वेस्ट नहीं हुआ, आपने उतनी पढ़ाई की थी इसलिए आपको एडमिशन मिला IIT में, ओके, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट। बट हम अब जो बात करेंगे ना, हम एक्चुअली मेथोडिकली स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे अगले सेशन ऑनवर्ड्स, हम बिल्कुल मेथोडिकली बात करेंगे, इन द सेंस कि रियली जैसे हम जूनियर KG में एंटर करते हैं वैसे धीरे धीरे, और अगर आप कुछ साल साथ में सुनोगे तो आपको उतना ही अंडरस्टैंडिंग होगा जितना किसी साधु बाबा को होता है, ओके, मतलब एंड विदाउट डूइंग एनी गोइंग टू बिकमिंग अ साधु, ठीक है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, साधु बनने की जरूरत नहीं है,
मतलब मैं भी अच्छी वाली जॉब करता हूँ, काफी लोग जॉब करते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, बिना जाने कुछ करने का फायदा होता है या नहीं, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम वर्ष कि बिना संप्रदाय के तो मंत्र की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसलिए लेकिन आपने कुछ अच्छा किया इसलिए हम आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान किसी को छोड़ते नहीं है ऐसे, हमारा इंटेंशन था, दैट वाज गुड इनफ, राइट। हम सोशल स्टडीज सोशल साइंस पढ़ के भी कोशिश कर रहे थे कि हम मेहनत करेंगे तो इसलिए हमें IIT मिला, राइट। इवन दो इट इज नॉट यूजफुल, बाद में कोई यूज नहीं आएगा उस सोशल साइंस का हमारे लिए, राइट, दैट्स व्हाट इट इज। All right. Yeah. So let's go ahead. So basically, yes. Tapa, yagya, jnana, aur santo ka sang. Ye char cheeze bahut important hai. This is the way of dharma. Okay. So, aisa karke hum actually nikal sakte hain yahan se, jahan par birth, old age, disease aur death na ho kabhi. Punarapi jananam, punarapi marnam na ho. Aisa hum nikal sakte hain. Theek hai? Agar hum ye char cheeze follow kare, jo ki bahut simple hai relatively, main bata raha hu aapko. इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हमें लगता है कि होंगी। तपस्या सुन के लगता है कि कोई साधु बाबा बाल वाल बड़े करके इधर उधर बैठा होगा, राइट। यज्ञ मतलब बहुत स्वभाव हो रहा होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। ये सारी चीजें आप अपने घर पे ना नॉर्मल जैसे हम रहते हैं ना, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, वैसे आप उसमें भी आप यज्ञ कर सकते हो, ओके। बट एनीवेज विल टॉक ग्रेजुअली, राइट। सो बॉटम लाइन है कि ये पांच चीजें हैं, ये जो मैंने बताई ना चार चीजें, इनकी ये पांच तरह से इनको फॉलो किया जा सकता है। वो कौन सी पांच चीजें हैं? वो है पहली चीज एसोसिएशन, जो मैंने बोला कि भक्तों का संग, मौका मिले जब भी मिले, राइट। अब जैसे हम यहाँ पे एक डेढ़ घंटे के लिए बात करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हफ्ते में एटलीस्ट कुछ टाइम अच्छी बातें सुनने में लगाएं, अच्छा ज्ञान बढ़ाने में लगाएं, एसोसिएशन करें। जैसे हम इससे पहले पिछले सेशन तक मिलके प्रसाद खा रहे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे संग की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज है बुक्स, ओके। A for association, B for books. Books मतलब भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ऐसी अच्छी किताबें पढ़ने की खुद से कोशिश करनी चाहिए। तीसरी चीज है चैंटिंग। अब ये चैंटिंग क्या होती है, इस बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। C for chanting, यानी भगवान के नाम लेना, ओके। इसका क्या वैल्यू है, ये क्यों जरूरी है, इस बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ओके। एंड देन D is for diet, यानी भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद खाएं, ना कि अपना बना के खाएं, ठीक है। भगवत गीता इसके बारे में बहुत क्लियरली बोलती है कि यही सही रास्ता है। अगर आपने भोग नहीं लगाया, क्योंकि सब चीजें भगवान की है, जैसे आपके घर में कोई आके आ गया बिना पूछे, मैं घुसाऊं घर पे और आपका फ्रिज खोल के खाने लग जाऊं, तो आप क्या बोलोगे, चोर है, राइट। ऐसे ही भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो इस दुनिया में मुझे ऑफर किए बिना खाता है ना, वो चोर है, ओके। और चोर को सजा मिलती है, ठीक है। तो इसलिए भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। और पांचवी चीज होती है इंगेजमेंट, इज फॉर इंगेजमेंट, यानी कि सेवा, यानी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ अच्छी चीजों की सेवा करें, ठीक है। कैसी कैसी सेवा, अरे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मतलब उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती है, चलो तो भगवान के लिए मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुकिंग आती है, भगवान के लिए एक अच्छा कुक करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, ये भी एक सेवा हो गई, राइट। या फिर अरे ठीक है, मुझे कुछ अच्छा लिखना आता है, तो चलो मैं एक आर्टिकल लिखते हैं भगवान के लिए, अपनी सोसाइटी में पब्लिश कर देंगे, राइट। किसी भी तरह की सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कैसी कैसी सेवा, इस बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में, बट पॉइंट यह है कि दिस ए बी सी डी ई, अगर हमने पांच चीजें फॉलो की ना, तो इसमें तप, यज्ञ, दान, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन, ओके। दिस इज गुड इनफ टू बी एलिवेटेड, या सो दिस इज व्हाट वैदिक नॉलेज सेज। मतलब वेदास में ये ना प्रॉपरली बहुत सारा पढ़ा के ये जूस निकल के आएगा, और मैं आपको ऐसे ही एक स्लाइड में पब्लिश करके दे रहा हूँ। मतलब हम बहुत सारे श्लोकों पे बात कर सकते हैं, बट कंक्लूजन यही निकलेगा इसका। एनी क्वेश्चन ऑन दिस लाइन, दैट मेक सेंस। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जैसे ऐसे बात करेंगे, बट एसोसिएशन आई होप इज क्लियर, राइट। हम जो क्लास भी अटेंड कर रहे हैं ये एसोसिएशन है। बुक्स, हाँ हम धीरे धीरे ग्रेजुअली भगवदगीता और ऐसी बुक्स पढ़ेंगे। भोग लगा के खाना, हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भोग लगा के खाएं जितना भी पॉसिबल है। हमारे घर में छोटा कुछ तो भोग लगाना चाहिए रोज, आइडियली तो सारा कुछ खाना भोग लगना चाहिए, और किसी तरह की छोटी सर्विस पे इंगेज रहना चाहिए, कुछ भगवान के लिए कुछ छोटा सर्विस रोज करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे हमारा जो ध्यान है ना, जो आप बोल रहे हो ना शिवानी जी की, हम कभी सोचते हैं कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन हम अगर भगवान की कुछ सेवा करते हैं ना, तो हम हमेशा सोचते हैं। अगर आप भोग लगाने के लिए सपोज गोभी आलू की सब्जी भी बनाते हो, तो आप जो आलू भी खरीदने जाते हो ना, तो आप सोचते हो कि अरे भगवान के लिए भोग लगेगा, अच्छी अच्छी आलू लेके जाना है, ठीक है। फिर अच्छे से आप साफ सुथरे हालत में जाके अच्छे से खाना बनाते हो, वो खाना बनाना का एक्ट जो है वो आपका एक्चुअली यज्ञ होता है, पता है।
और कुछ नहीं है। यज्ञ का मतलब सिर्फ स्वाहा नहीं होता, ठीक है, हमारी लाइफ का हर आइटम हम यज्ञ कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है, विथ व्हाट थिंकिंग वी आर डूइंग इट एंड इट बिकम्स अ यज्ञ। तो ये पांच चीजें इज गुड इनफ, ए बी सी डी ई, मतलब इसको बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए और स्क्रीन शॉट ले लेना चाहिए और चिपका देना चाहिए। अगर हमने ये पांच चीजें फॉलो की तो वी आर गुड इनफ। ओके, सो एनीवेज दिस इज व्हाट इट इज एंड देन इफ यू डू इट राइट then we can really get out of this place. It is totally possible. और ये जो आप बोल रहे थे ना, कोई पूछ रहा था कि हम वापस आते हैं क्या, तो भगवत गीता में ये एक श्लोक आता है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागतः। तो बोलते हैं कि अगर एक बार कोई चला गया ना तो वो दोबारा वापस नहीं आता। ओके, बिकॉज उनको हाईएस्ट डेस्टिनेशन मिल जाता है, वो दोबारा इस बारे में कुछ नहीं सोचते। तो एक बार ही फंसता है आदमी, एंड इफ यू आर एबल टू गेट आउट देन वी आर आउट राइट। सो दैट दिस एंड्स दिस सेशन एंड स्लाइड समरी मैं वैसे भी भेज दूंगा। वॉज इट यूजफुल, वॉज इट इंटरेस्टिंग, वॉज इट बोरिंग देन प्रीवियस वन? नाउ वी आर गेटिंग इन टू रियल एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड हम एप्लीकेशन पे जा रहे हैं कि हम रियली हमको अपनी लाइफ में अप्लाई क्या करना है। तो ये अप्लाई करने लायक चीज है, क्या क्या है? ए फॉर, कोई बताएगा इसको याद? ए एसोसिएशन, ओके, एंड बी फॉर बुक्स, ओके, एंड सी, सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग, ओके, एंड डी, डी फॉर डाइट, डाइट, ओके, नाइस, आई फील लाइक टीचर, एंड ई फॉर एंगेजमेंट, एग्जैक्टली। अगर हमने ये पांच चीजें फॉलो की ना, तो आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस कि इसके बियॉन्ड ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ करने की जरूरत नहीं है। और हम कई साल तक भी डिस्कस करेंगे ना शास्त्रों को, तो आपको पता चलेगा कि ये पांच ही चीज रूट है, इसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। इन पांच चीजों को फॉलो करना गुड इनफ है एक्चुअली। ओके, और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि योग क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंट तरह के योग होते हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? तो गुरु जी, इसको बेसिकली मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने पूजा वगैरह के लिए बात किया राइट, कि पूजा करना चाहिए या भगवान का नाम कंटिन्यूअसली लेना चाहिए राइट। मैंने पूजा नहीं बोला कभी भी, एक बार भी मैंने पूजा वर्ड यूज किया राइट, आई मीन वो प्रसाद और वो सब करना चाहिए। तो अब जैसे कि ना पूजा का भी जैसे हम देखते हैं कि काफी लोग बहुत रिलीजियसली एवरी डे में पूजा करते हैं, या फिर अब जैसे कि हम आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट जैसे कि फैमिली में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं एवरी डे बेसिस में, और कुछ लोग हम लोग समझते हैं कि जैसे कण कण में जैसे बोलते हैं ना भगवान है, तो या आप अलग टाइप से भी सेवा कर रहे हो, या किसी को खाना खिला रहे हो भगवान के नाम पे, तो क्या वो सब चीजें भी काउंट होती है कि ये जरूरी है कि हम एक मूर्ति के सामने ही भोग लगाते हैं, वो सब जरूरी होता है? तो भगवान का रूप है या नहीं है राइट, ये क्वेश्चन है जिसको ना बहुत ही इंटरनली लोगों को बहुत बिविल्डर कर रखा है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे अलग अलग तरह के मत हैं इसके अराउंड, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत शुद्ध अद्वैत, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, और बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं। ना शास्त्र क्या बोलते हैं, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तमनु माश्रितम। ओके, बोलते हैं कि जो मूर्ख है ना उनको लगता है कि मैं पहले फॉर्म नहीं था मेरा, और अब मैंने ना फॉर्म ले लिया है मानुषी तनु माश्रितम, कि मैं मनुष्य की तरह दिख रहा हूँ अभी, ठीक है, परम भाव न जानती, बोलते हैं कि किसी को पता नहीं है कि मैं एक्चुअली इसी फॉर्म का हूँ, ऐसा बोलते हैं भगवद गीता में भगवान, ठीक है, कि मेरा यही फॉर्म है एक्चुअली, और कोई ऐसा नहीं है कि मेरा फॉर्म नहीं है, कण कण में भगवान है या नहीं, भगवान तीन तरह के फॉर्म में होते हैं एक्चुअली, ठीक है, ब्राह्मण परमात्मा और भगवान, ये तीन डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ओके, बट उसमें कौन सा हाइएस्ट है इसके बारे में भगवद गीता कहती है कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, यानी कि ब्रह्म जो है वो भगवान के तेज से आ रहा है, भगवान का जो तेज होता है ना वो लाइट ब्राह्मण होती है, दैट एफल्जेंस इज कॉल्ड ब्राह्मण। ओके, तो परमात्मा क्या होते हैं, परमात्मा जो हमारे हार्ट में सोल के अलावा एक और भी सुपर सोल होता है हर एक के अंदर, ठीक है, और वो जो सुपर सोल होता है उसको परमात्मा बोलते हैं,
वो ना सबके जस्ट अ मोमेंट या तो जो सुपर सोल है ना वो एक्चुअली हर एक के हार्ट में होते हैं और वो एक्चुअली हर एक के हार्ट में हमारे को वो कर रहे हैं मतलब हमें नॉलेज देते हैं हमारा जो भी एक्टिविटीज होते हैं ना उसको सैंक्शन करते हैं वो सुपर सोल एम आई मेकिंग सेंस जो सुपर सोल होता है बेसिकली जैसे अगर मुझे हाथ भी उठाना है ना ऐसे हाथ उठाया मैंने तो एक्चुअली मैं सिर्फ डिजायर करता हूँ एज अ सोल और जो सुपर सोल जो परमात्मा होता है ना वो उसको सैंक्शन करता है और फिर ये हाथ उठता है ठीक है मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान बहुत सारे तरह के फॉर्म्स में होते हैं ठीक है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड बट बिना समझे सिर्फ ये सोचना कि कणकण में भगवान है दैट मे नॉट बी राइट थिंग टू डू ओके कणकण में भगवान नहीं है पर सारे कण भगवान ने बनाए हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना चश्मा यहाँ पर रख दूं ना टेबल में और चला जाऊं तो आप क्या बोलोगे जब मुझे आप चश्मे को देखोगे तो आप याद करोगे कि अरे ये उनका चश्मा है जो हमें आके हर हफ्ते कुछ तो बताते हैं उल्टी सीधी बातें राइट आप ऐसा सोचोगे तो आप जो सोचोगे ना तो दैट थॉट इज लाइक यू नो कि ये उनका चश्मा है ऐसे ही ये दुनिया भगवान की है भगवान बोलते हैं कि मैं इस दुनिया में सब जगह पर हूँ बट मैं सब जगह पर नहीं भी हूँ ऐसा बोलते हैं भगवद गीता में ऐसा कैसे पॉसिबल है ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि अरे सब कुछ मेरा ही है ये मैंने बनाया है बट मैं इनसे अलूफ हूँ फिर भी डिफरेंटली खड़ा रह सकता हूँ ओके बट यस इट इज राइट कि ये सब भगवान ने बनाया है नो डाउट अबाउट इट लेकिन बिना जाने कुछ किया ना फॉर एग्जाम्पल मैंने भूखे को खाना खिलाया ये सोचा कि हाँ हाँ ये पवित्र काम कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है कि आज सुबह आपने उसको खिला दिया उस भूखे बच्चे को बट आज शाम को कौन खिलाएगा राइट आपने क्या किया एक्चुअली आपने सिर्फ अपना मन रखने के लिए उसको खिला दिया और आप खुश होकर घर आ गए बट क्या उससे उसकी भूख मिट गई नहीं राइट क्योंकि उसको आज शाम को फिर से भूख लगेगी ओके सो उसके साथ क्या हुआ वो क्यों ऐसा भुगत रहा है अनफॉर्चुनेटली हम सब अपने कर्म के हिसाब से एक्शन एंड रिएक्शन भुगत रहे हैं राइट हर कुल और हमने ऐसा करके उसका रिएक्शन शायद डिले भी कर दिया हो तो पॉइंट क्या है इसीलिए नॉलेज के साथ सर्विस करना मेक सेंस अगर हम नॉलेज के साथ करेंगे ना कि अरे वो जीव है इज अ सोल और उस सोल के लिए बेटर यह है कि मैं भोग लगाते हैं और भगवान का प्रसाद खिलाते हैं ताकि वो जो सोल है ना वो कभी भगवान की तरफ मुड़ेगा इस अच्छे चीजों के कारण नेक्स्ट लाइफ में उसको ह्यूमन लाइफ मिलेगी या वो एलिवेट हो जाएगा तो हम उसे वही प्रसाद खिलाएंगे मतलब वही खाना खिलाएंगे लेकिन भोग लगा के खिलाएंगे विद दिस नॉलेज इट्स अ स्मॉल एक्ट स्मॉल डिफरेंस राइट लेकिन हमने उसका भला किया नॉट जस्ट अभी पेट भरने के लिए बट उसके बाद के लिए भी इसलिए नॉलेज के साथ सर्विस करना ज्यादा सेंसिबल है सिर्फ बिना नॉलेज के सर्विस की तो हम कुछ रैंडम चीजें कर सकते हैं मे बी उससे कुछ फायदा होगा मे बी कुछ नहीं भी होगा सो देन इट्स अ मैटर ऑफ चांस एम आई मेकिंग सेंस or not okay so anyways so okay so I don't know if I'm making sense but isko na puja mat samjhiye jo normally humne jo socha hai na suna hai kabhi bhi na do not think of these things as puja like normally jo hum mistake kar dena ki hame lagta hai ki sari tarah ki puja ek si hai main nahi bol raha hu ki sari tarah ki puja ek si hai okay agarbatti ghumana bina jane that is not a puja okay aapko aapke paas photo nahi hai murti nahi hai na तो भोग का भगवान का ध्यान करके भी लगा सकते हो पर शास्त्र भगवान का एक फॉर्म बताते हैं क्लियरली ठीक है उस फॉर्म का ध्यान करके आप भोग लगा सकते हो अगर पॉसिबल है ओके लेकिन इजी क्या होता है पता है इजी और ये मुश्किल है क्योंकि इसलिए फॉर्म हेल्प्स बिकॉज देयर इज अ फॉर्म देन यू कैन रियलाइज इट यू कैन सी इट यू कैन एक्सपीरियंस इट राइट अदरवाइज आप वॉइड का ध्यान करना आसान नहीं है बहुत लोग कोशिश करते हैं राइट ऐसा करने की काफी योगी कोशिश करते हैं आंख बंद करके कुछ तो मैं बिल्कुल वॉइड का ध्यान करेंगे बट वॉइड इज वॉइड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट राइट सो इट इज नॉट पॉसिबल राइट द फॉर्म हेल्प्स टू फोकस तो फॉर्म होने से एक फायदा होता है बट द बिगर थिंग इज दिस इज नॉट अबाउट पूजा मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मंदिर में कुछ ऐसा वैसा करो ये वो करो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि शास्त्र पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट ओके चैंटिंग ओके वाई इज चैंटिंग सो इम्पॉर्टेंट वो एक्चुअली हम नेक्स्ट टाइम पूरा बात करेंगे बट मैं आपको एकदम छोटा सा बता रहा हूँ आपने कभी बचपन से सुना है ना कि राम नाम सत्य है राइट किसने नहीं सुना है राइट ऐसा क्यों बोलते हैं और किसी की डेथ होती है तो ही क्यों बोलते हैं क्या कनेक्शन है इन दोनों चीजों में है ना सोचना चाहिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग आपको एक्चुअली उस मरे हुए आदमी को एज अ स्पेसिमेन पूरे गाँव में घुमाते थे कि देखो इसको और इसको देख के समझो कि ये भी मर गया
ठीक है, ऐसे ही तुम भी मर जाओगे, और जो सत्य है ना वो सिर्फ राम का नाम है, दिस वॉज द पर्पस, और इतना स्ट्रांग है कि मतलब अक्रॉस एनीथिंग, अक्रॉस नॉर्थ एंड वेर एवर यू गो, राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह वो ये बोलते हैं. सो समथिंग टू थिंक अबाउट, कि ये ना नॉर्मल पूजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं. सो शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप सब सेम होता है, दे आर नॉट डिफरेंट. ओके, सेम है सब कुछ, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है. इन कोका कोला बोलने में और भगवान का नाम लेने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान सेम है. अगर किसी ने शास्त्र, कोई भी शास्त्र आप उठा लो, चाहे तो आप तुलसीदास की रामायण उठा लो, पहला 4 चैप्टर पढ़ लो, तुलसीदास जी बोलते हैं कि राम से भी बड़ा है उसका नाम, ठीक है, तो मतलब दे आर इक्विवेलेंट, देयर इज नो डिफरेंस. ये ना पूजा नहीं है, दिस इज अबाउट डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद गॉड जस्ट बाय टेकिंग हिज नेम, इट इज एज पावरफुल एज दैट. ओके, बहुत पावरफुल चीज है. तो मतलब मैं आपको ट्रेडिशनल पूजा पाठ नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगरबत्ती कैसे घुमाते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि रियली योग क्या होता है, ठीक है. भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि यज्ञ, जो जितने भी तरह के यज्ञ होते हैं ना, उसमें से जप यज्ञ जो होता है वो मैं हूं. मतलब वो एक्चुअली एक जगह पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो, जैसे कि जो तारे हैं ना, उनमें से चांद मैं हूं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं. मतलब जो बेटर चीजें हैं, जो व्हाट इज द बेस्ट थिंग ऑफ ऑल, वो मैं हूं. तो बोलते हैं जितने भी तरह के यज्ञ होते हैं उसमें से जप यज्ञ मैं हूं, जो नाम लेना होता है जप यज्ञ होता है वो मैं हूं, ऐसे बोलते हैं. सो इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग, ठीक है. इट मे साउंड लाइक अ नॉर्मल पूजा, नो इट्स नॉट, बट एनीवेज वी विल टॉक अबाउट दिस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ योगा नेक्स्ट टाइम इन डिटेल. बट दिस बीइंग द बॉटम लाइन, दैट एनी नन ऑफ दिस इज एक्चुअली अबाउट पूजा. ओके, जैसे जो प्रसाद मैं बोल रहा हूँ ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपने माँ के हाथ का खाना खाया होगा, राइट, और आप होटल में खाना खाते हो, कोई भी खाना माँ के हाथ के खाने को क्यों नहीं मैच करता, सोचना चाहिए था, राइट, क्यों ऐसा होता है, हर एक को अपनी माँ के खाने में क्यों ऐसा टेस्ट आता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्यार होता है माँ का, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि आप जिसके खाना खा रहे हो ना, जो भी बना रहे हैं ना, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्चुअली आपके खाने में आती है, एंड यू कैन एक्सपीरियंस इट एनी टाइम. अगर हमने भगवान की कॉन्शियसनेस से खाना बनाया और भोग लगाया, देन दैट थिंग एक्चुअली इम्प्रूव्स अवर कॉन्शियसनेस. It takes it to the next level, and this is scientific. You can feel it yourself. मतलब मैंने बोला ना कि माँ के खाना क्यों अच्छा लगता है ऐसा, और जो अंदर जो frustrated होगा ना, Marriott में भी जो अंदर खाना बना रहा है ना, वो काफी frustrated होता है, पसीना आ रहा होता है, उसे बीवी से लड़ाई करके आया होता है, पैसे चाहिए होते हैं, and that consciousness, the frustration that comes into the food. Okay, so this is not puja puja. It is about being slightly scientifically understanding कि these things are real and they actually create a difference in your life. तो अगर हमें लाइफ में हायर कॉन्शियसनेस चाहिए ना, बेटर हैप्पीनेस चाहिए ना, स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो हमें ऐसे काम करने चाहिए, ना कि जो मिला वो खा लिया, ठीक है. क्योंकि खाना बहुत बहुत ही सीरियस मैटर होता है. आई देव, आपने हिंदी में श्लोक सुना होगा, राइट, जैसा अन्न वैसा मन. ओके, राइट. सो जैसा कि कैसा खा रहे हो आप, एंड दिस इज नॉट पूजा, दिस इज अबाउट मेंटेनिंग योर कॉन्शियसनेस. ओके, so it's a deeper topic. I can elaborate more. There are many scriptures, verses in Bhagavad Gita and other scriptures which talks about this topic, ki kaisa khana kha rahe ho. And anyways, all of these can be talked about in detail, but we'll next time specifically try to understand what are the different forms of yogas. Humne bahut sare naam sune hai na abhi, kuch log kya ashtanga yoga, gyan yoga, right, bhakti yoga, bahut sare aise naam sune honge, karma yoga, राइट, बुद्धि योग, ये सब क्या है, ये सब कुछ, और क्या इनके बीच में कॉन्ट्रास्ट है. बिकॉज योगा, एंड व्हाट इज योगा बाय द वे, डज योगा मीन जो पतंजलि बताते हैं या जो रामदेव बताते हैं वही योगा है या कुछ और है योगा, राइट, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, एंड व्हाट इज द टॉप मोस्ट योगा, एंड व्हाट इज द वे टू डू इट. बट नन ऑफ दिस इज अबाउट, लाइक जस्ट टू टेल यू, इफ यू हैव अ फीलिंग कि मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी लाइफ को ना वैदिक तरीके से बेटर करने की बात कर रहा हूँ विद अ प्रैक्टिकल वे, और ये प्रैक्टिकल है, आप अपने आप से एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपको कैसे हैप्पीनेस आएगी जैसे ही आप ये फॉलो करोगे. ओके, एनीवेज, एनी थॉट्स? बाय द वे, ऑफिशियली दिस सेशन इज नाउ ओवर बिकॉज ऑफ टाइम, राइट, बट एट द सेम टाइम एज मेनी क्वेश्चंस एज यू हैव, आई एम अवेलेबल फॉर एज मच टाइम यू हैव, राइट. सो या, एनी क्वेश्चंस बियॉन्ड दिस पॉइंट, जस्ट टू कॉल इट आउट, ताकि लोगों को वो ना रहे कि मतलब मैं क्या मैं लॉग आउट कर सकता हूँ टाइप्स का मन ना हो. Okay, anyways, there's no lunch, there's no prasad today. So, yeah, I know, you'll have to cook.
एनी अदर क्वेश्चंस? वॉज इट एज गुड और एज बैड एज द इन पर्सन थिंग, या कुछ ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं था, मजा नहीं आया पिछली बार जैसा? For me, I mean, it was same feeling, like, you know, you're getting for what you are sitting here. Okay, so, great. Yeah. For me, it's right. No matter that I'm sitting there or here. Oh, okay, wonderful. Yeah, but do not think that, see, at any point I'll be telling you, मतलब मैं ना कोई बहुत ट्रेडिशनल पूजा पाठ नहीं बताने के लिए बैठा हूँ. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वैदिक सिस्टम में जो अच्छी बातें हैं ना, वो हम कैसे अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, ठीक है? एंड दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दे डोंट कॉस्ट अ लॉट. ओके, बुक्स पढ़ने के लिए आप 15 मिनट भी अगर दिन में बुक्स पढ़ते हो ना ऐसे शास्त्रों को, दैट विल एलिवेट यू, ओनली 15 मिनट्स अ डे आल्सो. सो इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग आवर्स एंड डेज ऑन दैट, दीज आर सीरियस अफेयर्स. Okay, nothing less than this is acceptable. Yeah, good. Rekha Desai, so I was just trying to understand, aapne itna cutthroat thought process diya hua hai. I'm not sure ki ye bahut hi stare kar dega na. It will stare the mind, it will stare the thought process, which I felt, which is little. Is it that I am feeling the same thing, or is it this way? What made you feel uncomfortable? Like, you know, what agitated you? No, I'm not uncomfortable. It was so cutthroat, right? मतलब आपने बोला कि birth, death, मेरे बेटी पूछ रही थी, how is it? मतलब is it confirmed? Is it a confirmation on the thought process? So you know what? So एकदम it is tearing up the thought process, right? So is it this way? ऐसी रहना चाहिए, ऐसी thought process में उलझना चाहिए, कोई बच्चा भी कभी कोई बोलता है ना राम नाम सत्य है, तो हम बोलते हैं ऐसी बातें मत करो, ये गंदी गंदी बातें हैं, राइट? हमें समझना पड़ेगा कि दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, यू नो, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ यार, इट्स नथिंग अननेचुरल अबाउट इट, राइट? और हमारे घर में कोई है जो जो हमें पसंद नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू लिव विद देम. दिस इज लाइक दैट, आई मीन नोबडी वांट्स टू डाई, बट यू हैव टू डाई, व्हाट कैन वी डू, राइट? सो लेट्स एक्सेप्ट इट, लेट्स एम्ब्रेस इट, राइट? बोलते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, आई विल से कि आर्ट ऑफ डाइंग एक चीज होती है, राइट? वी हैव टू लर्न दैट आर्ट ऑल्सो. ओके, how to die, but why? I know it is the reality, but everybody understands that probably, but uske chakkar mein hum itna reality mein le aaye hain kya ki yaar death is there, inevitable, yeah, disease is inevitable, yeah, ye matlab is it that? No, I'm not saying ki you have to die, matlab 24 hours wo sochna zaruri nahi hai, theek hai? 24 hours ye sochna zaruri hai jo samne slide chal rahi hai. Okay, kyunki hum log na in sab ke bare mein sochte nahi hai, बिकॉज हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते. इसीलिए मैं बोल रहा कि दैट्स व्हाई आई सेड कि सी, जस्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आपको पहले प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, राइट? जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी ना, देन यू विल गो फॉर सॉल्यूशंस, राइट? यू फॉरगेट दोस प्रॉब्लम्स आल्सो, एंड दैट इज अ बिग इशू, बिकॉज विद लॉट ऑफ मनी दैट वी हैव मेड, लॉट ऑफ हाउसेज दैट वी हैव बिल्ट, वी थॉट कि वी आर रियली हैप्पी, ओके, एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी लाइक दिस ऑलवेज. नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट ऑलवेज, राइट? तो इसलिए, और हमने इसके कारण ना, बिकॉज वी स्टार्टेड थिंकिंग कि हम बहुत पावरफुल हो गए ना, तो हमने ये सारी चीजें जो एज और विजडम था वो सब छोड़ दिया, राइट? एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नथिंग हैज चेंज्ड एक्चुअली. ओके, पीपल दैट टाइम एंड नाउ आल्सो दे आर डाइंग, एंड वी थिंक कि साइंस के पास सॉल्यूशन है, नहीं, साइंस के पास नहीं है सॉल्यूशन. देखिए, हम लोग अभी घर पे बैठे हैं बंद होके, राइट? बिकॉज साइंस नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट? आई मीन, वी नो हु. So, इसलिए that's the whole point. It's not about feeling scared about it, but yeah, making sure we know. Thank you. Yeah, any other questions? Anyone? एक question है. And I hope I'm not taking away time. As I said, anybody who wants can die, can leave. This session, because there is nothing else I have to show in the slides, but people who are interested in hearing are welcome to stay back. So aap koi bhi extra time kisi ka nahi le raha hai, right? And I'm available for any number of hours. Good. Sorry.
सो माय क्वेश्चन इज, हमने वो पढ़ा था कि अभी पढ़ा था बोल रहे हैं, मतलब आपने बताया था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ जो भी थॉट या हम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और सोच के ऊपर किसी का कंट्रोल होता नहीं है, वो हम उसी हिसाब से फिर हम उस फॉर्म में या यू नो वी रीबर्थ राइट. सो क्वाइट ऑब्वियस, मुझे नहीं पता बट व्हेन आई गो डीप डाइव, जब भी मैंने सोचा है यूजुअली लोग शायद ड्यूरिंग डेथ इफ इन केस वो बीमारी से या यू नो इफ दे आर नॉट वेल या कोई अगर इस चीज के कारण अगर जा रहा हो तो वो क्वाइट ऑफन अपनी फैमिली के बारे में सोचता है एक आम आदमी, क्योंकि उसी चक्कर में पड़ा होता है राइट, कि भले ही उसने सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हो, या अगर एक माँ है वो शायद अपने बच्चों के बारे में सोचती रहे, अपने पति के बारे में सोचे, बिकॉज उसे नहीं पता कि ये लाइफ चलती तो रहेगी लेकिन वो शायद उसी बारे में सोचती रहे. नो मैटर हाउ मच एवर प्रैक्टिकली हम शायद पूरी जिंदगी भगवान की सेवा करते रहे लेकिन शायद वो एक मोमेंट, नो मैटर हाउ हम चाहे कि हम वैकुंठ के बारे में सोचे, हम उस भगवान, लेकिन हो सकता है कि यू नो दैट थिंग ओवरटेक्स माई थॉट प्रोसेस. क्या ये सही है गलत है और उस इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग जाते हैं और लाइक कोरोना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस इंटायर थिंग, देयर आर सो मेनी पीपल एंड आई हैव सीन सम वेरी क्लोज पीपल जो शायद हॉस्पिटल में हैं, उनकी कोई गलती नहीं है और वो वहां हैं और उनके दिमाग में शायद यही चीजें चल रही हों, वो कंसर्न है, तो क्या हुआ होगा उनके साथ, मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग of course I cannot promise where they are but one thing I can tell you, here's the thing, generally usually aap jo usual case ki baat kar rahe ho na, usually hamare liye thinking about god or spiritual world or all sort of things, they are not very high a priority, normally priority nahi hoti hamare liye life ki itni badi, like theek hai karenge but theek hai baki family is important right, but hum na kuch cheeze bhul jate hain, hum ye bhul jate hain ki ye family hame aayi kahan se, ye jo family hai na ye bhagwan se aa rahi hai, matlab hamare paas to nahi thi, ये घर भी मेरे पैदा होने के पहले भी ये जमीन थी यहाँ पर और मरने के बाद भी ये जमीन रहेगी, इसका मतलब ये जमीन मेरी नहीं है राइट, हमें लॉजिकली राइट, और हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं जनरली, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, एंड दिस अटैचमेंट इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम एज पर स्क्रिप्चर्स राइट. हम ना इससे डिटैच होके भी इनको यूज कर सकते हैं, कैसे, बहुत ही सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सोचूं कि जो मेरा बच्चा है वो मुझे भगवान ने दिया राइट, अभी दिया है इसका मतलब भगवान ने मेरे शेल्टर में दिया है, मेरे केयर में दिया है, ताकि मैं उसे एक ऐसा अच्छा इंसान बना सकूं, ओके, एंड अगर मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ उस बच्चे को रेस करता हूं तो मैं कितने अच्छे से रेस करूंगा उस बच्चे को, राइट, बहुत केयर करूंगा, और ये प्रोसेस में मैं हमेशा भगवान के बारे में भी सोचूंगा, और इस प्रोसेस में अगर वो बच्चा अच्छा नहीं भी कर पाया तो मैं ये मान के चलूंगा कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट डाली थी, बाकी व्हाटएवर इट इज राइट, मतलब rather than me thinking कि अरे मेरा बच्चा है एंड उसको अच्छा करना ही है क्योंकि सोसाइटी में इमेज का क्या होगा, और ऐसे में स्टक हो जाऊंगा. Now it is about only difference is consciousness. मैंने दोनों केस में बच्चे का कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ कॉन्शियसनेस डिफरेंट है. इसी तरह से हम अपनी फैमिली को भी इसी तरह से ले सकते हैं राइट, बिकॉज वी नो द रियालिटी, अगर ट्रुथ जो है वो है तो लेट मी नॉट, इसका मतलब नहीं कि मुझे साधु बनना है, पर इसका मतलब यह है कि मुझे योग करना है. Now, योग की मतलब क्या होता है, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, योग का मतलब होता है कि जैसे हिंदी में बोलते हैं दो और तीन का योग कर दो राइट, यानी कि दो और तीन को ऐड कर दो. इसी तरह योग का मतलब होता है हम भगवान के साथ कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं वापस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योग, ओके, एंड देयर आर मेनी सच प्रोसेस, बहुत सारी योग की प्रोसेस है, और उससे होगा क्या, होता क्या है कि हम नॉर्मली रह सकते हैं जैसे हम अभी रह रहे हैं, नो डिफरेंस, बट हमारे को ये जो होता है ना कि अटैचमेंट की मेरे बच्चे का क्या होगा, एक्चुअली अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे ना तो उस बच्चे का वैसे भी जो होना है वही होगा, आपके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज नॉट मेकिंग मच डिफरेंस. हमें लगता है कि मैं अगर आज ऑफिस नहीं गया तो ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, बट एक्चुअली अगर मैं छुट्टी ले लूँ ना एक हफ्ते की तो ऑफिस वैसे का वैसे ही चलता रहेगा, रियलिटी यही है, लोग जॉब छोड़ देते हैं फिर भी चलता रहता है, बट जस्ट हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा राइट, ये फॉल्स फीलिंग है मतलब यू नो, और हम लोग
गलत जगह पे फंस गया है। तो जो सोल, जैसा बोलते हैं ना, शास्त्र बताते हैं कि सोल यहाँ पर इल्यूजन में आ गया है, उसको लगता है कि मैं जो मटेरियल नेचर है ना, जो मैटर है ना, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और एक्चुअली उससे कंट्रोल नहीं होता है और वो फंसता जाता है इस पे। जैसे ही वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वैसे ही वो पाप और पुण्य में फंसता जाता है, एंड दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। बट सोल इन सब से डिफरेंट है, इस मैटर से अलग है वो। हमने इस बारे में बिल्डिंग ब्लॉक्स पे बात की है अभी तक, राइट, इसलिए मैं उनको यूज कर रहा हूँ कि सोल जो है वो डिफरेंट है, इट्स लाइक ऑयल एंड वाटर, इट डजंट मिक्सेस विद मैटर। तो ये आसपास की कार, घर, मकान वगैरह वगैरह हमारी नहीं है, राइट, एंड वी हैव सम कनेक्शन विद गॉड, एंड इट इज जस्ट अबाउट अल्टीमेट एम इज टू एक्चुअली गेट आउट। व्हाई? बिकॉज अदरवाइज यही होने वाला है, फिर से जन्म आएगा, फिर से मृत्यु होगी। और उसका मतलब मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, कि बेसिकली डू नॉट गेट इनटू दिस फीलिंग कि अब मुझे सबको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। वाइल लिविंग विद पीपल विद द राइट कॉन्शियसनेस वी कैन बी हैप्पी, बिकॉज अगर हम सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा अच्छा बन जाए, तो इसमें ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, राइट, वो बच्चा अच्छा बनेगा या नहीं मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो सकता हूँ बस, और कुछ नहीं, राइट। सो वाई गेट फ्रस्ट्रेटेड? Okay, you can still feel कि नहीं, it's okay, it's God's plan, whatever happens, it's okay, right? But I will do my best, I'll put my best effort because God has given me this responsibility, right? ये मेरी responsibility कि मैं सही से करूँ, and that's okay, whatever happens. Now this liberates you. इसके बाद आपको tension नहीं होगी उस बच्चे की, है ना? तो अगर हमने अपनी life को ऐसे इस thought process पे लेके आए ना, तो फिर problems कुछ नहीं रहेंगी, सभी चीजें वैसी होंगी और उससे अच्छी होंगी। Success will be better, really. So, I don't know if I'm making sense, but it's difficult to summarize this whole thing in one shot. But yes, people achieve this state जहाँ पर उनको ना घर पे रहते हुए भी घर वालों से tension नहीं होती है. They care more about, okay, I am a soul, I'm an individual, right? I have to get out. Anyways, I'm going to die. मतलब अगर मैं चाहूँ frustrated होके तो भी मरूंगा, और frustrated नहीं होगा तो भी मरूंगा. So let me figure out a way how to not get frustrated, right? और जहां तक उनकी बात है कि अरे उसने सारी जिंदगी किया और उसके बाद उसका क्या हुआ, मान लो किसी ने भगवान का पूरी लाइफ ध्यान किया और एक दिन अचानक से कोरोना आ गया, ये कुछ तो हो गया, राइट। तो वराह पुराण में भगवान कहते हैं, एक श्लोक आता है वराह पुराण में, बोलते हैं कि अगर किसी कारण से मेरा भक्त जो है वो मेरा ध्यान नहीं कर पाया डेथ के टाइम पे, तो मैं उसका ध्यान करता हूँ, दिस व्हाट ही सेज। ओके, सो इवन इफ वो पाएंगे तो मैं सोचूंगा। सो God is ready to break the rules also if required, right? But we have to go to that level for which whom the rule can be broken. We are nowhere there. But as I'm saying कि ये सब कुछ करने के लिए ना जंगल जाना जरूरी नहीं है। मतलब आप ऐसे कोई भी इस thought में मत जाना कि मैं आपको बोलूँगा कि कल से saffron clothes पहन के निकल जाओ types. That's not required. Whatever you are doing, you can do that. And the examples I've been giving always is it's about consciousness. ठीक है? हमारी consciousness क्या है? हम कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं ना, उससे क्वालिटी ऑफ रिजल्ट मैटर करता है, उसी से ही डिसाइड होता है। जब एक आर्मी वाला जब लड़ाई पे जाता है ना, गोली मारता है किसी को ना अपने दुश्मन को, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसको मेडल्स मिलते हैं। बट वही आर्मी वाला अगर घर पे आके पड़ोस वाले को मार देगा ना, तो उसे फांसी पर चढ़ा देते हैं। एक्शन वॉज सेम बट द रिजल्ट आर डिफरेंट। द रीजन इज एट वन ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी एंड द अदर वन ही वॉज डूइंग ऑन हिज ओन, right, without any duty, and that made a difference, right? So it's all about the consciousness. A lot of it is about consciousness. I mean, this entire spirituality is a game of consciousness. Anyways, okay, any other questions, anyone? Okay, all right, people are bored enough. yeah, that was not the intention, and sorry, we cannot serve the prasad anymore with virtual. Let's hope that COVID goes away pretty soon. We'll see. Eager to meet you guys in person again. Yes. All right, that's all from my side. If there's nothing, I'll share some slides and details. I'll share the verses also. Okay. Anything that else that you would want to know? I mean, anything, kuch aur janna chahte ho aap log spirituality ke bare mein, to aap batao, matlab we can discuss that also.